इट हैज़ बीन एन ऑनर यहाँ पर आना और इस तरह के सेमिनार्स को देखना. आई हैव बीन टोल्ड बाय सर मोहम्मद अहमद कयूम दैट यू आर ऑल और मोस्ट ऑफ यू आर यंग एंट्रेंट्स इन द फील्ड ऑफ लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल और इसके साथ साथ आपको मुबारकबाद दूंगा कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लीगल एजुकेशन में इस तरह के रिफॉर्म्स आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अब हम यहाँ पर बैठे हैं, एक लॉ को बुनियादी तौर पर और उसकी बेसिक्स को डिस्कस करने के लिए कि हम सीख सकें कुछ लॉ कॉलेज से बाहर निकल के. लॉ कॉलेज से बाहर निकलने के बाद आपको बिल्कुल सीधा प्रोफेशन में एंटर होना है. इसके दरमियान में एक फ़ेज़ का होना बहुत ज़रूरी है, लर्निंग फ़ेज़ का. वो चलती रहेगी आपकी सारी उम्र आपके साथ साथ. वो जो पर्पस सर्व कर रहे थे पहले, वो आपके सीनियर्स के ऑफिसेस ये पर्पस सर्व कर रहे थे. अब टू समहाउ लगता है कि प्रोफेशन में शायद ये पर्पस उस तरह से सर्व नहीं हो रहा, तो वी हैव टू फाइंड सम अल्टरनेटिव्स एंड दिस अल्टरनेटिव इज़ समथिंग वेरी गुड एंड यूनिक. फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ में जो सबसे पहली चीज आप, एक चीज आप नोट कर लें इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों ने लॉ की स्कूल में ये बात पढ़ ली है दैट देर इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, सिविल राइट्स एंड पब्लिक राइट्स. जो पब्लिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए देर इज अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और जो सिविल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए देर इज अ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम. ये दोनों पैरेलल काम कर रहे हैं. कुछ चीज़ों में हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं और एक यंग एंट्रेंट का थोड़ा बहुत कंफ्यूज होना बनता है, बिकॉज कि ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है जितनी एक एक्सपीरियंस लॉयर को नज़र आ रही होती हैं. बीइंग यंग एंट्रेंट आप देख रहे हैं कि आपके पास सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी जगह है जिस पर आपको अपना रेलेवेंट केस फाइल करना है. तो दिस इज समथिंग अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो. तो सबसे पहले आप सिविल कोर्ट की डेफिनेशन को देख लें. व्हाट इज अ सिविल कोर्ट? दिस इज द कोर्ट, अगर प्रोजेक्टर दोनों साइड्स पे चल रहा है, दिस इज अ कोर्ट दैट डील्स विद द प्राइवेट कॉन्ट्रोवर्सीज. एनी कॉन्ट्रोवर्सी दैट अराइजेज बिटवीन टू पर्संस और टू पार्टीज इन देयर प्राइवेट कैपेसिटी, उनको टेकअप करने के लिए, उस कॉन्ट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए हमने एक कोर्ट, एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम जो है वो बिल्ड किया. एंड दैट सिस्टम, दैट पर्टिकुलर हाउस इज कॉल्ड अ कोर्ट. जहाँ पर हम पूरा, इससे अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पुराने ज़माने में वी कैन सी कि हमारे पास पंचायत थी. तो पंचायत हमारे लिए क्या काम करती थी? सिविल डिस्प्यूट्स को वो रिजॉल्व करते थे, और सिविल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का ऑर्गेनाइज्ड तरीका हमने क्या निकाला? वी एस्टेब्लिश्ड सिविल कोर्ट्स. सिविल कोर्ट्स की, इसमें आपके पास अगर सवाल हो किसी का कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, सिविल इंस्टीट्यूशंस, सिविल पार्टीज भी हो सकती हैं, कोई भी ऐसा शख्स जिसका कोई सिविल राइट इन्फ्रिंज होता है, दैट वेरी पर्सन कैन गो टू द सिविल कोर्ट. क्वेश्चंस अगर कोई करना चाहे तो ही विल बी रेजिंग हैंड एंड आई विल बी रिस्पॉन्डिंग एट द सेम टाइम. अब ये जो सिविल कोर्ट्स हैं, इनको क्लासिफाई किया गया है कुछ चीज़ों में, कुछ इसको, इसकी डिवीजन है. हमारे पास जो बेसिक लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे लिए सिविल कोर्ट्स, दैट लॉ इज कॉल्ड द पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962. दैट वेरी ऑर्डिनेंस creates civil courts for us. जैसे मैंने आपको पहले कहा, there will be an organized system, और उस organized system का कहीं पर लिखा होना ज़रूरी है, उस पर कोई legislation होना ज़रूरी है. तो this is the legislation जो हमारे लिए basically civil courts को constitute करती है. In contrast with the CRPC, अगर आप लोग CRPC पढ़ चुके हैं तो CRPC में आप देखेंगे section 6 CRPC के अंदर
सेक्शन 6 जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स क्रिमिनल कोर्ट्स, यहां पर सीपीसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रही किसी कोर्ट को। हमारे पास एक अलहदा से ला है पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस जो हमारे लिए सिविल कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। इसकी कैटेगरीज जो डिफाइन की गई है सेक्शन 3 ऑफ द सिविल कोर्ट पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस में, दिस इज फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट जज, सेकंड इज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड द थर्ड इज सिविल जज। यहां पर एक बहुत बुनियादी नुक्ता जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कोर्ट एंड अ जज। कोर्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ जज इज अ पर्सन हु माइट बी हेडिंग वन एस्पेक्ट ऑफ दैट कोर्ट एट दैट ऑर्गेनाइजेशन। जज जो है उसका करैक्टर, ही इज प्रिजाइडिंग अ कोर्ट बट ही अलोन कैन नॉट बी कॉल्ड अ कोर्ट। हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है सिविल कोर्ट्स की, दैट इज डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज भी सिविल कोर्ट की डेफिनेशन में है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ये भी सिविल कोर्ट की डेफिनेशन में है, एंड अ सिविल जज ये भी सिविल कोर्ट की डेफिनेशन में है। तो जब भी बात सिविल कोर्ट की जाएगी तो ये तीनों क्लासेस कैटेगरीज उसके अंदर शामिल होंगी। आप लोग रोजाना पेश होंगे, अभी हो भी रहे होंगे। बिल्कुल करा सकते हैं, हाई कोर्ट यहाँ पे कुछ केसेस सुन सकती है, जैसे 37(2) का दावा है वहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो हाई कोर्ट कैन इटसेल्फ ट्राई दैट पोस्ट इन इट्स ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। अदरवाइज सिविल क्लेम्स के लिए ट्रायल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हमारे पास सिविल सिस्टम के अंदर। अब ये जो तीन कैटेगरीज ऑफ सिविल कोर्ट्स हैं, दीज आर बिसाइड टू कैटेगरीज, एक स्मॉल कॉजेज कोर्ट है और सेकंड कोई भी और कोर्ट जो इनेक्ट कर दी जाएगी किसी भी लॉ से जो इन्फोर्स्ड है। दिस इज ऑल सेक्शन 3। देर आर 3 पार्टीशंस और क्लासिफिकेशंस ऑफ सिविल कोर्ट। द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट जज, द सेकंड वन इज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड द थर्ड वन इज सिविल जज। कोई क्वेश्चन हो तो मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। स्मॉल कॉजेज कोर्ट का सीपीसी में नहीं है, स्मॉल कॉजेज कोर्ट के एक ऑर्डिनेंस है 2002 का, दैट सेज कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट मैटर उसकी वैल्यू 1,00,000 से कम है तो वो क्लेम सिविल कोर्ट के पास नहीं जाएगा, एक स्पेशल कोर्ट क्रिएट की जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्मॉल कॉजेज कोर्ट। दैट कोर्ट विल बी हेडिंग एंड एडजुडिकेटिंग दैट पर्टिकुलर मैटर, और उस मैटर को सुनने के लिए उसका प्रोसीजर सीपीसी के अलावा स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है, ट्रायल का पूरा प्रोसीजर उसके अंदर लिखा हुआ है। सर 2020 की और 21 की जो अमेंडमेंट्स आई थी, बल्कि 18 की जो अमेंडमेंट्स आई थी, उसमें तो फारिग नहीं करा दिया सारे के सारा स्मॉल कॉजेस? नो सर, एक्ट वहां पे ही कायम है। एक्ट कायम है लेकिन सीपीसी के अंदर जो प्रोविजंस थी वो तकरीबन सारी खत्म कर दी गई, क्या दुरुस्त है? सिर्फ सीपीसी का पहले भी कोई लिंक नहीं था स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स के साथ, जो अमेंडमेंट्स आई वहां पे कोई इस तरह की डिवीजन सीपीसी में पहले नहीं थी कि ये वाला क्लेम वो कोर्ट सुनेगी और इतनी अमाउंट का क्लेम, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू की ज्यूरिस्डिक्शन है दैट इज अवेलेबल इन सीपीसी, स्मॉल कॉजेस कोर्ट के वाले से पहले कोई नहीं था। सेक्शन 7 में अभी पढ़ रहा हूं ना, सेक्शन 3, उसके अलावा तो कोई नहीं है, उसके अलावा तो कोई नहीं है। अब आ जाएं, वट इज अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। बड़ी बुनियादी सी बात है, डिस्ट्रिक्ट जज ऐसा जज जो हेड कर रहा है सेक्शन 2 के तहत एक डिस्ट्रिक्ट को, एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जैसे कि नाम से जाहिर है डिस्ट्रिक्ट जज के साथ एडिशनल लोग अटैच कर दिए जाते हैं काम के वाले से, इनकी पार्स का कोई फर्क नहीं है, इनकी पार्स में कोई भी आप डिफरेंस नहीं देखेंगे, और इसके लिए लेजिस्लेशन अवेलेबल है। अगर आप इसी लॉ का द सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 देखें तो आपको पता चलेगा एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज शेल डिस्चार्ज सच फंक्शंस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज, जो भी फंक्शंस होंगे डिस्ट्रिक्ट जज के वही फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहा होगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एंड इन द डिस्चार्ज ऑफ दोज फंक्शंस ही शेल एक्सरसाइज द सेम पावर्स एज द डिस्ट्रिक्ट जज।
और उसकी पावर्स भी बिल्कुल सेम होंगी। तो इस तरह से हमारे पास जो कैटेगरी, अगर आप फॉर्मूला पे कैटेगरी लेना चाहें, तो देर इज वन कोर्ट दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट जज, जिनकी पावर जो है वो इक्वल है, और उसके बाद सेकेंड कैटेगरी टायर के हिसाब से हमारे पास आ जाएगी सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जैसे कि आप लोग बुनियादी तौर पे पढ़ा होगा आपने, सिविल कोर्ट की क्लासिफिकेशन है फर्दर हाई कोर्ट की तरफ से इन थ्री क्लासेस, सिविल जज क्लास वन, सिविल जज क्लास टू एंड सिविल जज क्लास थ्री। इसका पर्पस हम आने वाली स्लाइड्स में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स की मैं दोबारा आपसे एक बात आपको रिपीट करना चाहूँगा। सिविल कोर्ट की क्लासिफिकेशन जब भी आप देखेंगे, देर इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देर इज एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एंड देर आफ्टर देर इज अ सिविल जज। सिविल जजेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस, सिविल जज क्लास वन, सिविल जज क्लास टू एंड सिविल जज क्लास थ्री। सर सवाल था? डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू जो है, दैट इज द टॉपिक। आप बैठ जाए प्लीज क्वेश्चन में। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू सूट वैल्यूएशन एक्ट का काम है, टू बी रेड विद कोर्ट फीस एक्ट। अब कोर्ट फीस एक्ट में कोई एक फॉर्मूला नहीं है वैल्यू डिटरमिन करने का। एक फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट मैटर, अगर फर्ज करें सेल कंसिडरेशन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में आप चले गए, तो वहां पर वैल्यू का क्या डिटरमिन करेंगे आप? वहां पर वैल्यू क्या होगी? जो कंसिडरेशन प्राइस है दैट विल बी द वैल्यू। और अगर आप रिकवरी ऑफ पोजेशन में चले गए तो वैल्यू क्या होगी उसी प्रॉपर्टी की? अगर आप रिकवरी में चले गए तो क्या वैल्यू होगी? जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो ये दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। इसी तरह से जो दावे हैं स्मॉल कॉजेस का, जो सब्जेक्ट मैटर अगर 1,00,000 रुपए का है तो दैट विल बी गोइंग टू स्मॉल कॉजेस कोर्ट। और अदरवाइज जो ये स्पीडी रेमेडी के लिए एक अलादा से कोर्ट बनाई गई थी, एक फोरम, जैसे आपने देखा होगा स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो थोड़ा स्पीडी काम करने के लिए जो हमारे समरी प्रोसीजरल ट्रायल्स हैं उनको कंक्लूड करने के लिए हमने स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाया। इसी तरह से हमने सिविल में जो छोटे क्लेम्स थे उनको हरी अप डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए हमने ये कोर्ट बना ली स्मॉल कॉजेस। इतनी इफेक्टिव नहीं है, आप इसको देख भी नहीं रहे होंगे कि इतना चल रहा हो और डिस्प्यूट वाकई उसके प्रोसीजर के तहत डिसाइड हो रहे हो। ऑपरेटिव तो है, लॉ तो उसी तरह एग्जिस्ट करता है, और लाहौर में तो इस्टेब्लिश भी है, बाकी ज़िलों में भी नोटिफिकेशन है, लेकिन चूंकि हम उस तरह से क्लेम लेके नहीं जाते तो दूसरी कोर्ट्स में ही क्लेम्स चल रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जी आप कर सकते हैं, थोड़ा रिसर्च वर्क कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा। अब ये कोर्ट इस्टेब्लिश करने के बाद, कोई भी इदारा कायम करने के बाद उस इदारे को इख्तियार समात दिया जाएगा जुडिशरी। ये जुडिकेचर का रूल है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, कि कोई भी कोर्ट, कोई भी इदारा जो अदालती इदारा है वो वाली जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा जो जुरिस्डिक्शन उसमें वेस्ट नहीं की गई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, ये रूल तमाम कोर्ट्स पर लागू है, सिविल कोर्ट्स पर भी लागू है। अब सिविल कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन कौन देता है और जुरिस्डिक्शन की टाइप्स क्या है? जब तक इख्तियार समात नहीं होगा तब तक अदालतें अगर 50 भी और बना लें, स्मॉल कॉजेज कोर्ट किसी भी तरह से तकसीम करते जाएं, हम उनमें काम लेकर नहीं जा सकते। तो इख्तियार समात जो है, इख्तियार समात, हु विल बी लिसनिंग टू आर मैटर्स, हु विल बी लिसनिंग टू द सिविल डिस्प्यूट्स, ये बड़ा अहम सवाल है। और 95% ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज इनिशियल 5-6 माह दावे की उम्र में इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसका एक फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला आप क्रैम कर लें तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू ऑल। और ये फॉर्मूला कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये जो 5 jurisdictions मैंने लिखी हैं ये इसी फॉर्मूले के तहत आपने रट लेनी है। द फर्स्ट वन, आई एम रीडिंग आउट द हेडिंग्स, फर्स्ट वन दैट इज अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन या जनरल जुरिस्डिक्शन,
under section 9 of the CPC. This is called, or it may be called, general jurisdiction. और इस पे आपने बहुत सारी जजमेंट्स पढ़ी होंगी. द सिविल कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन. सेकंड, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. किसी खास इलाके में कौन सी मखसूस अदालत, कौन सी मखसूस सिविल कोर्ट इस बात को सुनेगी. एंड द थर्ड वन इज पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन विद रिगार्ड टू द वैल्यू. जो सब्सटेंस है जिसको आपने एडजुडिकेट करना है उसकी वैल्यू के हिसाब से. अब ये जो तीन हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बेसिकली दीज आर द जुरिस्डिक्शंस. और ये इसी रेफरेंस के साथ है. फर्स्ट कम द फर्स्ट, सेकंड कम्स द सेकंड, एंड थर्ड कम्स द थर्ड. अभी मैं आपको ये बात इंशाल्लाह समझा पाऊंगा आने वाले लेक्चर में कि व्हाई आई एम कॉलिंग द वन थिंग फर्स्ट एंड द सेकंड थिंग सेकंड एंड द थर्ड थिंग थर्ड. अब ये जो इसके बाद हैं, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन एट नंबर फोर and at the personal jurisdiction and number fifth, these are basically exceptional clauses. Lekin agar in panch ko aap isi tarah se cram kare to 100% aap jurisdiction ka topic jo hai wo confusion se bahar nikal ke isko samajh sakte. To pehli jurisdiction jisko humne kaha ultimate ya general jurisdiction under section 9 of the CPC. इख्तियार, आपके दरमियान में बैठा एक जज ही क्यों फैसला कर रहा है, आप कहीं और पे क्यों नहीं कर रहे, किसी और जगह पे आप जाके फैसला क्यों नहीं करवा रहे, पंचायत में क्यों नहीं करवा रहे. सेक्शन 9 सेज, सेक्शन 9 में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, कोर्ट्स टू ट्राई सिविल सूट्स अनलेस बार्ड. क्रैम कर लें इस जुमले को, छोटा सा 5-6 लफ्ज़ है. द कोर्ट, अब ये अंडरलाइन वाला पोर्शन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप सबके सामने ये अंडरलाइन है, अगर स्लाइड पे एक मिनट के लिए सब देखें तो सबको पता चलेगा. द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर. तो बात किसकी हो रही है, सिविल कोर्ट की, सिविल जज की बात नहीं हो रही, सिविल कोर्ट की बात हो रही है. द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिस्डिक्शन to try all the suits of civil nature. तो ये जो courts, civil courts हमने constitute की अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इनके पास क्या jurisdiction इनको primarily दे दी गई, सर क्या jurisdiction दे दी गई, to try all the suits of civil nature. इसका मतलब ये है कोई भी तनाजा जो सिविल नेचर का होगा, कोई भी तनाजा. ये मैं 1908 की जो सीपीसी है उसकी बात करूँ, ये 1908 में लेजिस्लेशन. हम अक्सर कहते हैं कि लेजिस्लेशन इज ऑर्थोडॉक्स, पुरानी है, लेकिन मैं 1908 की आपको लेजिस्लेशन बताने लगा. असूल पुराने नहीं होते, सच बोलना चाहिए. ये कब का है, क्या बदल दें, ये जितना पुराना होगा उतना अच्छा होता जाएगा, ये रिफाइन होके हम तक पहुंचा है. तो ये जो लेजिस्लेशन है ये भी रिफाइंड है, क्योंकि ये टेस्ट फेज कर चुकी है, ये गलत आज तक साबित नहीं हुई. तमाम सूट्स, तमाम तनाजात, हर डिस्प्यूट सिविल कोर्ट सुन सकती है, हर डिस्प्यूट, आई एम रिपीटिंग, हर डिस्प्यूट. एक्सेप्टिंग कौन सा नहीं सुनेगी, जनरल कैटेगरी आ गई आपके पास, फर्स्ट अंडरलाइन आपने देख लिया, तमाम सूट्स. अभी हम बात करेंगे कौन से तमाम सूट्स, कितने हैं ये नंबर में, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितने भी डिस्प्यूट, कोई ऐसा तनाजा जो सिविल नेचर का होगा उसकी जुरिस्डिक्शन किसके पास है, सिविल कोर्ट के पास है. एक्सेप्टिंग किस चीज को बाहर निकाला इस कैटेगरी से, ये बड़ा दायरा बना दिया, इसमें से किसको बाहर निकाला है, ऐसा तनाजा जिसकी बाबत कोई एक्सप्रेस बार मौजूद हो, खास तौर पर. व्हाट इज बार, एनीवन कैन लेट मी नो, नॉट ऑलवेज, बार एट लॉ मींस रुकावट इन लॉ,
अथॉरिटी अथॉरिटी सॉरी सिर्फ रुकावट मानी नहीं है, आप इसको रीचेक करिए, अथॉरिटी कोई असूल कोई रूल, बार है ऐसी चीज ऐसा असूल जिसने एक्सप्रेसली लिख पढ़ के जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट की बार कर दी हो वो मुकदमा सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तमाम मुकदमात सुनेगी जो भी सिविल नेचर की डेफिनेशन में आ जाएगा, हर वो मुकदमा सुनेगी। और एक्सेप्टिंग कौन सी चीज नहीं सुनेगी जिसकी बाबत एक्सप्रेस बार है। दूसरी कौन सी कैटेगरी के सूट्स नहीं सुनेगी जिसकी बाबत इंप्लाइड बार मौजूद है। और तीन सर कौन सी कैटेगरी के सूट्स नहीं सुनेगी, ये 2018 में अमेंडमेंट आई थी, जनरल और स्पेशल लॉ जिस सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड ये मौजूद हो उसको सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी। कुछ बात की समझ आई? हर तनाजा अब ये पैदा भी हो रहे हैं खत्म भी हो रहे हैं। खत्म किस तरह से हो रहे हैं, नए नए सूट नई नई कोर्ट्स बनती जा रही हैं, तो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जनरल स्पेशल लॉ या इंप्लाइड लॉ एक्सप्रेस बार इंप्लाइड बार के तहत ब्लॉक होती जा रही है। रेवेन्यू की हमने कोर्ट बना दी तो रेवेन्यू के सारे मामला रेवेन्यू में भेज दिए और सिविल कोर्ट का इख्तियार हमने उस पर कम कर दिया। कोई सवाल हो? अब इसकी एग्जाम्पल्स एक दफा देख लें, बार्स की प्रिंसिपल सबको समझ आ गया। अब कोई भी सिविल कोर्ट जो हमने कॉन्स्टिट्यूट की, सिविल कोर्ट वो कोई भी मुकदमा सुन सकती है जो सिविल नेचर का होगा। बार्स क्या है, एक्सप्रेस इंप्लाइड और जनरल और स्पेशल लॉ की एग्जिस्टेंस। अब एग्जाम्पल्स देख लें आप। अब रेवेन्यू मैटर सेक्शन 172 किस किसने पढ़ा, रेवेन्यू एक्ट का, लैंड रेवेन्यू एक्ट का, आप में से किसी ने सेक्शन 172 पढ़ा है? एक लंबी लिस्ट बनी हुई है और वो लिस्ट क्या कह रही है कि जनाबे सिविल कोर्ट आप ये वाले मुकदमात नहीं सुनेंगे। बात मेरी समझ गए? एक लंबी लिस्ट है कि जनाब आप ये वाले मुकदमात नहीं सुनेंगे, आपके जुरिस्डिक्शन से हमने निकाल दिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल मैंने आपको क्या बताया कि जब तक किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ना हो वो मुकदमे की समाप्त नहीं कर सकती। अब इसके अलावा रेस जुडिकाटा आप सब जानते होंगे, कोर्ट को क्या कह दिया, एक ऐसा मुकदमा जिस पर पहले से फैसला हो चुका है, आसान लफ्जों में बात करो, जिस पर पहले से फैसला हो चुका है आप उसको दोबारा नहीं सुनेंगे। इजन इट अ बार, इट इज इट अ रूल, रोक दिया गया, अथॉरिटी दे दी गई कि अब आप इसको इसके तहत नहीं सुन रहे। थर्ड वन, एक और एग्जाम्पल, बार टू सूट अंडर सेक्शन 12(2), अगर फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन या वॉट ऑफ जुरिस्डिक्शन कमिट हुई किसी जजमेंट या ऑर्डर में तो वो कहते हैं कि दोबारा से आप उस नया सूट फाइल नहीं करेंगे, सिविल कोर्ट नया सूट नहीं सुनेगी। ऐसा ही है, सिविल कोर्ट नया सूट नहीं सुनेगी। ये है एक्सप्रेस बार। सेकंड, इंप्लाइड बार। कोई आपके पास मिसाल हो इंप्लाइड बार की, एक तो सामने लिखी है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आपने सुने, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा? आई एम सॉरी जी, अगर आपको एक रिलीफ किसी वक्त पे अवेलेबल था और आपने उस रिलीफ को छोड़ के कोई और बाकी का रिलीफ मांग लिया तो आप सब्सिक्वेंटली दावा दायर करके वो वाला रिलीफ नहीं मांग सकते जो आपने छोड़ दिया। तो दिस इज एन इंप्लाइड बार। जब भी आप नेक्स्ट टाइम सिविल कोर्ट के पास जाएंगे तो सिविल कोर्ट विल से नो सर, वी विल नॉट बी एंटरटेनिंग यू। और तीसरा जो अभी 2018 के बाद कैटेगरी आई, अब ये 2018 से पहले ये जो जनरल और स्पेशल लॉज थे ना, ये सारी की सारी आपको एक्सेप्शंस इंप्लाइड बार में मिलेंगे। अगर आप आमिर रजा साहब की किताब भी पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी स्पेशल लॉज की बार्स उन्होंने इंप्लाइड बार्स के अंदर लिखी। क्योंकि अब हमारे पास 2018 के बाद एक क्लॉज आ गई कि ऐसा मुकदमा ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसकी बाबत कोई जनरल या स्पेशल लॉ मौजूद हो वो वाला मुकदमा वो वाला तनाजा सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी। कौन कौन से हो सकते हैं, मिसालें मैंने आपके सामने लिखी हैं। फैमिली के डिस्प्यूट सिविल कोर्ट के पास लेकर जाएंगे आप? क्यों नहीं लेकर जाएंगे, वही जज साहब हैं,
वही फैमिली सुन रहे हैं, उनके पास एज ए सिविल जज आप क्यों नहीं लेके जाएंगे? बिकॉज देर इज अ स्पेशल लॉ, देर इज अ जनरल लॉ रिगार्डिंग फैमिली डिस्प्यूट्स, इसलिए हम सिविल जज साहब के पास नहीं जाएंगे। पंजाब रेंटेड ट्राइब्यूनल, किस किस ने सुना है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट? तो आप रेंट का मामला सिविल कोर्ट के पास लेकर जाएंगे? क्यों नहीं लेकर जाएंगे? और अगर आप ले जाएं तो क्या सिविल कोर्ट को उसको सुनना चाहिए? नहीं सुनना चाहिए। बैंकिंग के अगर डिस्प्यूट्स हैं तो बैंकिंग का लॉ मौजूद है, ठीक है, इसी तरह से कंज्यूमर लॉज मौजूद हैं, इसी तरह से लेबर कोर्ट्स मौजूद हैं, इसी तरह से गैस यूटिलिटी कोर्ट मौजूद है, इसी तरह से स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स मौजूद हैं, एंड सो ऑन, लंबी लिस्ट। अब सवाल ये है, आई एम सॉरी, सवाल ये है कि आपने एक दावा दायर कर दिया, आपको लगता है कि ये सिविल नेचर का डिस्प्यूट है और आपने उस पर दावा दायर कर दिया, और ओपोनेंट काउंसिल जो हैं उन्होंने आगे दिस सूट इज बार्ड, ये नहीं चल सकता, दिस कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू इंटरटेन दिस सूट, तो मुझे बताएं ओनस किस पर होगा ये साबित करने का कि दिस सूट इज बार्ड? जी सॉरी, जो ऑब्जेक्ट कर उस पे होगा वो बताएंगे किस लॉ के तहत बार। एक तो आपकी अपनी एक्सपर्टीज है, आपकी अपनी एक्सपर्टीज क्या है? आपकी अपनी एक्सपर्टीज ये है कि आप कभी वो दावा दायर मत करें जिसकी बाबत आपको पता है कि इसकी बाबत कोई एक्सप्रेस बार मौजूद है या कोई इंप्लाइड बार मौजूद है या इसके रिलेटेड कोई जनरल या स्पेशल लॉ मौजूद है। सर मैं कर, आप वो दावा दायर ना करें। और अगर आपने अच्छी खासी स्टडी के बाद किसी सिविल डिस्प्यूट के ऊपर दावा दायर कर दिया और किसी ने ऑब्जेक्शन राय चलते कर दिया कि ये तो बार है, तो द ओनस इज ऑन द अदर पार्टी टू लेट यू नो हाउ दिस पर्टिकुलर सूट डिस्प्यूट इज बार। सर यस 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 यस, ज्यूरिस्डिक्शन को डिटरमिन करना कोर्ट की बेसिकली जिम्मेदारी है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कोर्ट को यह कहा है कि आप कोई ऐसा डिस्प्यूट समाप्त नहीं करेंगे जिस पर आपको इख्तियार समाप्त नहीं दिया गया, ये कोर्ट को कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, यही लॉ ने कह दिया। तो ये कोर्ट के पास इख्तियार है और कोर्ट की ड्यूटी है टू डिटरमिन कि देखे उस मामले में जब भी आपको पता चले तो आप उसको रिड्रेसल के लिए एप्लीकेशन दें। नेग्लिजेंस आई डोंट थिंक इट इज अ प्रॉपर वर्ड टू बी यूज फॉर दैट एन अथॉरिटी, लेकिन सम हाउ दिस हैपन्स। हम यूजुअली जब पहला दिन है तो हम दावे को उस नज़र से देख ही नहीं रहे होते जिस नज़र से हमें देखना चाहिए। पहले दिन हम दावे को इस नज़र से देख रहे होते हैं कि वकील साहब ने फीस ले ली है, अब इसको चले स्टे दे दें फिर नेक्स्ट डेट पर देख लेंगे। दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। हमें पहले दिन इस नज़र से देखना है कि इधर दिस सूट इज प्रोसीडेबल इन दिस कोर्ट और नॉट, और अगर वो प्रोसीडेबल है तो हम आगे चलें। देखिए आप गौर करें सीपीसी की स्कीम के में, सीपीसी की जो स्कीम है उसमें सबसे पहले सेक्शन 9 पे इख्तियार समाप्त रखने की क्या जरूरत, इसको कहीं एंड पे रखा जा सकता था। दिस इज लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। लॉजिकली सबसे पहले आपके सामने मैंने सेक्शन 9 पढ़ा कि हमने इसको देखना जरूर, इसको लाजम पहले देख लेंगे ताकि बाद में जाके हमें ये ना फील हो कि ये तो चलना ही नहीं था और इतना हमने काम कर दिया। बात को समझ रहे हैं? अब आप लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, आप रजिस्टर्स बनाते हैं या बनाएंगे, आई विल से कि एक रजिस्टर इसका जरूर बनाएं। ये पहला फॉर्मूला है, इसका एक रजिस्टर जरूर बनाएं जिसमें इसी तरह से आप कैटेगराइजेशन करेंगे। सबसे पहले एक साइड पे आप एक्सप्रेस बार्स लिखते जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब आप केस पढ़ते जाएं, सीनियर का पढ़ें, कोर्ट में देखें, जजमेंट्स पढ़ें,
तो जितनी आपको बार्स नजर आए आप वो लिखते जाएं एक्सप्रेस में, उसके बाद इम्प्लाइड बार्स लिखते जाएं, जो भी आप जजमेंट्स में पढ़ेंगे इस वजह से इम्प्लाइडली इसको बार कर दिया गया था, ये नहीं सुना गया, ये इम्प्लाइड बार है, लिखते जाएं। स्पेशल और जर्नल लॉज जो एग्जिस्ट करते हैं वो लिखते जाएं। तो आपके पास विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर और टू ईयर्स एक अच्छा खासा रजिस्टर होगा जो 99% ऑफ डिस्प्यूट्स को कोप अप जरूर करेगा। तो बिगिन विद दिस फॉर्मूला एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ योर प्रैक्टिस। सेकंड, मैंने आपको कहा था कि हमने याद करना है एक फॉर्मूले के तहत। सबसे पहला हमने फॉर्मूला याद किया कि दैट इज ओरिजिनल और अल्टीमेट ज्यूरिस्डिक्शन। एक लाइन में शायद भूल गया, सिविल कोर्ट को हम ये भी कहते हैं दिस इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिस्डिक्शन। Why we call it the court of ultimate jurisdiction? Ultimate का मानी मैं आपको बता दूं, that is called हतमी, जिसके बाद कुछ ना हो। Why we call it court of ultimate jurisdiction? जहां किसी की jurisdiction नहीं होगी वहां civil court की फिर भी jurisdiction मौजूद होगी। This is a parent court, बाकी सब इसके बच्चे हैं, किसी की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी तो इसकी होगी। ये जो पहली लाइन है, द कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, दिस गिव्स इट एन अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, बोर तो नहीं हो रहे आप? अच्छा, मैंने कहा शायद बोर हो रहे। एग्जाम्पल्स, ये रजिस्टर आप लोग जरूर जरूर मेंटेन करें। इसी तरह से ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल्स लिखी हैं, इस तरह से हजारों हैं। सीपीसी आप खुद पढ़ते जाएंगे बेरेक, तो सीपीसी में आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। इसको अगेन कैटेगराइज भी किया जा सकता है, एक्सप्रेस बार को अगेन कैटेगराइज भी किया जा सकता है, बार्स प्रोवाइडेड इन सीपीसी। जी, सिविल कोड इज द कोड ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिस्डिक्शन। व्हाई? इट हैज बीन गिवन ज्यूरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। कोई भी दावा जो सिविल नेचर का होगा सिविल कोड सुन सकती है। एग्जाम्पल मैं कह रहा था, इसको आप दोबारा और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, वो बार्स जो सीपीसी के अंदर अवेलेबल है, वो बार्स जो सीपीसी के बाहर किसी लॉ में अवेलेबल है, यहां पे नहीं लिखा, जैसे कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, तो दैट एक्सक्लूड एक्सप्रेसली एक्सक्लूड्स द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है, कॉरपोरेटिव सोसाइटी का अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो आपको एक्सक्लूड कर देता है सिविल कोर्ट को, तो आपको उसके पास रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए, तो आप लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं। सेकंड, उस फॉर्मूले में जो पांच का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, द फर्स्ट वन ओरिजिनल और अल्टीमेट ज्यूरिस्डिक्शन, द सेकंड उसमें है टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन। अब ये जो सिविल कोर्ट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्यों उसको पहले नंबर पर रखा? क्योंकि हर सिविल कोर्ट पर वो लागू है, हर सिविल कोर्ट पर, वो पूरे पंजाब को, इस तरह से एक आप दायरा बनाए अपने तखयल में, उस पंजाब के किसी भी कोने में कोई भी सिविल कोर्ट बैठी हो उसने सेक्शन 9 को सबसे पहले देखना है, फिर प्रोसीड करना। आपने जब दावा लिखना है तो सबसे पहले इसी चीज को नोट करना है, क्या सिविल कोर्ट सुन सकती है? दिस इज सेक्शन 9। क्या सिविल कोर्ट सुन सकती है? क्या कोई एक्सप्रेस बार तो नहीं है? क्या कोई इंप्लाइड बार तो नहीं है? क्या कोई जनरल या स्पेशल लॉ तो नहीं आ गया हुआ इस सब्जेक्ट पे? ये आपने देखना है किसके केस। और अगर ये तीनों चीजें आपको नहीं मिली तो आप क्या कर रहे हैं कि सिविल कोर्ट को आप समझ रहे हैं कि सिविल कोर्ट हैज द ज्यूरिस्डिक्शन। किसके पास? सिविल कोर्ट के पास। अब कौन से इलाके की सिविल कोर्ट? हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर उसके बाद तहसीलें हैं। अब कौन से इलाके की सिविल कोर्ट? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, अक्सर आपके पास आएगा, किसके पास? ये मेरे पास ये टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं। तो ज्यूरिस्डिक्शन जब भी आप समझने के लिए, मैं बता रहा हूं, जब भी आपके जेन में ज्यूरिस्डिक्शन की बात आए तो यू मस्ट रेज अ क्वेश्चन, कौन सी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है? पहली नहीं है, दूसरी नहीं है, या तीसरी नहीं है, क्योंकि इनके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट। पहली ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है,
तो फिर तो बात खत्म होगी ना, कोर्ट ट्राई करेगी नहीं। और अगर दूसरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है लाहौर में और आपने दावा जाके कर दिया गुजरांवाला में, क्यों? आपने कहा मैं जरा इजी रहता हूँ, मैं रोज वजीराबाद से आता हूँ तो गुजरांवाला मुझे नजदीक पड़ता है, इट इज अ गुड वे, आपकी बड़ी कन्वीनियंस हो गई। बट लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस एक्ट, आपको लाहौर में आकर दावा करना पड़ेगा, क्यों? प्रॉपर्टी सिचुएट एट लाहौर, दिस इज नॉट द ओनली फॉर्मूला माई ब्रदर्स, दिस इज नॉट द ओनली फॉर्मूला। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे जितने भी रूल्स हैं वो हमें सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 21 तक मिल जाते हैं सीपीसी में, ठीक है सर? मैं उसी पे आ रहा हूं इसी में वो एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको किसी को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे या अल्टीमेट पे कोई क्वेश्चन आए तो वो मुझे जरूर बताएं पहले, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ आ गई उसकी। डन है, सेकंड पोर्शन हम पढ़ रहे थे, सेकंड टाइप दैट इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इलाकाई जुरिस्डिक्शन, कौन सी कोर्ट को सुनना चाहिए, कौन सी कोर्ट सुनेगी, और अगर मैंने गलत जगह पे फाइल कर दिया तो क्या होगा। सेक्शन 16 से लेकर 20 तक ये रूल्स लिखे हैं कौन सी कोर्ट सुनेगी। सबसे पहला रूल आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स, जहां पर वो शय जिसकी बाबत आप दावा कर रहे हैं वो सिचुएट करती है, पहला रूल कहता है वहां पे सुनेंगे। दाना जी, अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। सेकंड, थर्ड अभी भूल जाएं, तीस दूसरी कैटेगरी जो है इसी में कौन सी कोर्ट सुनेगी, सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्संस और मूवेबल। अगर कंपनसेशन का सूट है या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का दावा है तो कौन सी कोर्ट सुनेगी, ये दूसरी कैटेगरी है। सेक्शन 16, 17 और 18 ये जुड़े हुए हैं आपस में। सेक्शन 16, 19 और 20 ये हमें तीनों सेक्शंस रूल बता रहे हैं कौन कौन सी अदालत सुनेगी। एंड द थर्ड वन अदर सूट्स, अब जो सूट 16 में नहीं है, जो सूट 19 में नहीं है वो 20 में आ जाएगा, जनरल क्लॉज दे दी, ठीक है। अब 16 क्या है, कैटेगरीज देखें, ये इसी तरह से ए बी सी डी ई हमारे पास लॉ में लिखी हुई है। पहली, अभी मैं कैटेगरीज पढ़ने लगा हूं सूट्स की, सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना है, उसका दावा आपने दायर किया है, कौन सा सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा, सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा कौन सा है? पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा, सूट फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन, मॉर्टगेज के रिलेटेड तीनों दावे हैं। और चौथा, सूट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एनी अदर राइट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस क्लॉज की एक्सेप्शन, आपकी एक्सपेंशन को देखें जरा, ये क्या कह रहा है, सूट क्या डिटरमिन करने के लिए, कोई भी राइट किस चीज में, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो मूव नहीं कर सकती, उसमें आपका कोई भी राइट। अब ये हजारों हो सकते हैं, लाखों भी शायद हो सकते हो, ठीक है। और थर्ड वन, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को रॉन्ग कमिट उसके साथ करने का, जैसे कोई आपकी जो है वो फसल खराब कर दे, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी पे जो है वो कोई नॉक्शियस मटेरियल गिरा दे, ठीक है जी, और उसको मूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट में। ये जो पांच क्लॉजेस हैं इनकी बाबत एक रूल है और वो रूल कलर्ड लिखा हुआ है। इन पांचों क्लॉजेस में सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हूज ज्यूरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। बात की समझ आई सर आपको, एंड पे समझ आई? इन पांचों कैटेगरीज के अंदर सूट वहां पर फाइल किया जाएगा, इन पांचों कैटेगरीज में, जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी
सिचुएट करती है. एक्सेप्शन है इसकी सी क्लॉज. सी क्लॉज की बाबत एक एडिशनल रूल भी अवेलेबल है कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई वहां भी कर सकते. तो पहली हमारे पास जो कैटेगरी आई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से कि सूट वहां पर फाइल करेंगे जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है. ठीक है जी. अब मैं आपसे मिसाल के बाद पूछता हूं, मेरा सिविल प्रॉपर्टी में हिस्सा है और वो प्रॉपर्टी शेखुपुरा में लाया करती है और मैं रहता हूं लाहौर में, तो मैं सूट कहां पर फाइल करूंगा? क्यों? बिकॉज देर इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व और वो प्रॉपर्टी कहां पर है? मैं करता हूँ. अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी वहां पे लेके चलता हूँ आपको. सेक्शन 17 जरा पढ़िएगा, इसकी कैटेगरी पढ़िएगा 17 की. मैं उनके सवाल का स्पेसिफिक जवाब दे दूँ. सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स. अब आधी प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी थी, मैं मालिक हूँ 10 कनाल का और वो आधी जो है वो गुजरावाला की तहसील कामोगी में फॉल करती है और आधी जो है वो गुजरावाला में फॉल करती है, कहाँ पर सूट फाइल करूँगा? दोनों में से किसी एक जगह पे मुझे लॉ कहता है जाके फाइल कर लो एंड दिस इज अ कंपिटेंट सूट. आपको ये नहीं कहा जा सकता नहीं आप इधर से उधर जाएं, फुटबॉल तो नहीं बनाना ना हमने. आपको कह दिया दोनों में से किसी एक जगह आप सूट फाइल कर लें, यही आम क्वेश्चन था आपका. दोनों में से किसी एक जगह आप सूट फाइल कर सकते हैं. इसी तरह ये जो 18 है, मैंने इसीलिए कहा था ना ये 16 के साथ मिला हुआ है, वही मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ है. 18 में कहता है अगर जुरिस्डिक्शन आपकी अनसर्टेन है, पता ही नहीं है कि ये किसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है. वो इंडिया की एक मूवी आई थी बदलापुर, आपने अगर देखी हो किसी ने, पता ही नहीं चलता वो गांव किसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में. तो अगर फर्ज करें कोई इस तरह की प्रॉपर्टी हो जिसका पता ही नहीं चलता, अब तो देखें जियोग्राफिक सर्वेज हो चुके हैं, अब तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की प्रॉपर्टी होगी जिसकी जुरिस्डिक्शन सर्टेन ही ना हो, लेकिन 1908 में ये पॉसिबिलिटी है और कल भी हो सकती है. और जिस प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन सर्टेन ना हो कि ये किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, तो जहां जहां कोई पोर्शन आ रहा होगा उनमें से किसी भी कोर्ट में वो कहते हैं जाके आप दावा दायर करो. कोई क्वेश्चन रह गया? जी सर. और एक प्रॉपर्टी फॉल कर रही हो कि वो प्रॉपर्टी हो और सेम उसके कॉल ऑफ एक्शन सेम उसी के हो और दूसरी प्रॉपर्टी फॉल कर रही हो साई बार में, तो फिर हम कहाँ पे केस करेंगे? आप कॉज ऑफ एक्शन बताएं कैसी इकट्ठी होगी बताएं, एक प्रॉपर्टी साईवाल में है और एक गुजरावाला में है. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, अब उसमें हमने एक हमने जो है वो डिप्राइव कर दिया है. ठीक है, अब दो जगह पे प्रॉपर्टी, तो ये लैदा लैदा कॉज ऑफ एक्शन है. वहां पे इंतकाल लैदा आपको डिप्राइव किया गया है और यहाँ पे अलहदा डिप्राइव किया गया. बात समझ रहे हैं? अलहदा अलहदा ये कॉज ऑफ एक्शन ही अलहदा है. ये कॉज ऑफ एक्शन, अब मेरी फर्ज करें किसी शख्स की 7 जिलों में प्रॉपर्टी हो तो कि ये उसको इख्तियार नहीं दिया जा सकता एक ही जगह पे सारे सूट फाइल कर. बिकॉज अब फर्ज करें रजिस्ट्री हो गई एक जगह पे, तो आपने उस रजिस्ट्री को चैलेंज करना है कि जनाब ये देखें मैं मालिक था, मुझे इन्होंने इसमें मालिक शो ही नहीं किया. ऐसे ही है ना. फर्ज करें इंतकाल कर दिया गया, प्रॉपर्टी की म्यूटेशन कर दी गई और म्यूटेशन में किसी एक हिस्सेदार का नाम ही नहीं लिखा गया, तो वो नाम कहाँ नहीं लिखा गया? कामोकी में नहीं लिखा गया, तो कॉज ऑफ एक्शन कामोकी में बना. और अगर वही गलती आप जिस जगह गिसाईवाल की कह रहे हैं वहां भी नहीं लिखा गया, तो लैदा लैदा जुरिस्डिक्शन होगी. आपको दो दावे दायर करें क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट. मर्ज तो हाई कोर्ट की पावर है, वो कर सकती है, अदरवाइज ये अलग अलग सुने जाएंगे. ठीक है जी, डन है यहाँ तक. ये पहली कैटेगरी. बिल्कुल ऐसे ही है. तो
उसमें फिर एक एकड़ इधर है या एक एकड़ इधर है तो हमने या फैसला कर सकते हैं या इम्तहान साहब? जी बिल्कुल, सेक्शन 16 हमें ये 17 कह रहा है कि आप दोनों में से चूज कर लेंगे। ये कुछ खास मखसूस इलाकों की ये मसाइल हैं, ये हर जगह पे नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। अगर आपका एक मरला भी किसी जुरिस्डिक्शन में है तो आप एक मरले वाली जगह पे भी जा सकते हैं, और किसी दूसरी जगह पे उसी प्रॉपर्टी का 20 मरले का हिस्सा है तो लॉ ये कहता है कि आप दोनों में से चूज कर सकते हैं, कोई परसेंटेज किसी भी किस्म की वो डिफाइन नहीं करता लॉ। वो प्रॉपर्टी वो कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली डिफरेंट है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर एक बार जी जी प्लीज प्लीज सर, डेक्लेरेशन रूल करना, बच्चे रहते हैं लाहौर में और आधी प्रॉपर्टी है किस चीज का डेक्लेरेशन करना है, किस चीज का, किस चीज का आपका कोई, सुन ले बात, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन कर रहा हूँ दिस इज इन आंसर टू योर क्वेश्चन। किस चीज़ का डिक्लेरेशन मांगते हैं आप जाके कोर्ट से? आप ये कहते हैं कि मैं मालिक हूँ इस प्रॉपर्टी का, ये डिक्लेरेशन मांगते हैं? कभी भी कोर्ट आपको नहीं देगी, हो ही नहीं सकता। आप कहते हैं ये मेरा फादर है, फौत हो गया है, ये उसके 7 बच्चे हैं उनमें से एक मैं हूँ, ये डिक्लेयर कर दें, दिस इज डिक्लेरेशन, ये हो सकती है लाहौर में। ठीक है जी, बात मेरी समझ गए हैं। अगर आप प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करेंगे तो फिर आपको पेशावर जाना पड़ेगा, प्लेट में लिख देना कोई बात नहीं है, वो इग्नोर भी करते हैं, आप सारे लिखते होंगे, ठीक है, इग्नोर भी हो जाता है, कभी भी उस पर एडजुडिकेशन नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, करा सकते हैं अभी हम उस पर आने लगे हैं, थोड़ा सा टाइम दे तो उस पर आ जाएंगे। टेरिटोरियल जो शिक्षण की बाबत आपकी बात क्लियर हुई, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, कि जो पहला फार्मूला है हमारे पास, 3 ही तो जंगे हैं, जर जमीन और जर की, तो जमीन की तो उसने सेक्शन 16 में क्लियर कर दी बात सारी, कि जमीन के रिलेटेड जो भी मामला होगा या कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में जो चीज आती है उसके रिलेटेड मामला जो भी होगा कहां पर सुना जाएगा, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। अब आ जाइए आगे सेक्शन 19, अगर आप कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं, कंपनसेशन, कोई आपका सिविल रॉन्ग आपके साथ कमिट हो गया, आपकी गाड़ी किसी ने तोड़ दी, ठीक है, किसी और चीज को नुकसान पहुंचा दिया, आपके साथ फ्रॉड कर गया कोई बंदा, तो रिकवरी कहां पर फाइल करेंगे? यहां हो सकता है प्रॉपर्टी इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, आपको किसी बंदे ने कहा मैं आपको कल फलानी चीज ला दूंगा तो आप मुझे आज इतने पैसे दे दें, आपने उसको इतने पैसे दे दिए, अब कल वो गायब हो गया, फ्रॉड हो गया ना आपके साथ, 400 BC हो गई, आप पैसे रिकवर करने हैं, लीगल तरीके से आपने रिकवर करने हैं, कैसे करेंगे, कहां पर दावा दायर करेंगे, कहां पर? इसमें आपको लॉ 2 ऑप्शंस देता है, इसमें भी 2 ऑप्शंस दे रहा है, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन, सॉरी, जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता है ताकि एग्जीक्यूशन स्विफ्टली हो सके, आप वहां पर भी कर सकते हैं, और दूसरी बात कहां पर कर सकते हैं, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। ये ऑप्शन किसको दे दिया? प्लेंटिफ, तो डिफेंडेंट इस पे इतराज नहीं कर सकता। अगर फर्ज करें मैं ऑप्ट करता हूं जहां डिफेंडेंट रहता है वहां पे, तो ये भी मेरी मर्जी है, और अगर मैं ऑप्ट करता हूं जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई तो ये भी मेरी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर से सियालकोट जा रहा था, या फर्ज करें फैसलाबाद जा रहा था, तो रस्ते में किसी पॉइंट पर किसी बंदे ने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया, तो आई वॉन्ट टू क्लेम रिकवरी, किस जगह पर करूंगा? मुझे एड्रेस का पता है, वो बंदा रहने वाला फैसलाबाद का, तो मैं फैसलाबाद कर सकता हूँ, ये मेरा ऑप्शन। और अगर मुझे नहीं पता कि कहाँ का रहने वाला है तो कहाँ पे कर सकता हूँ? जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, वो जिसकी भी जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल होगी। सर,
ये आप बताएंगे, मैंने आपको कहा सिविल कोर्ट कैन एंटरटेन एवरी डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर, तो आप बताएंगे इज इट नॉट सिविल नेचर डिस्प्यूट? पैसे देने हैं मैंने, मेरे से पैसे ले गए फ्रॉड करके, तो मैंने पैसे वापस लेने हैं। वॉट इज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स? एक बाय द वे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं इसको जवाब दूंगा। फर्ज कर लें कि मैं लाहौर से, मैं किसी जगह से यहाँ लाहौर पहुंचा हूँ और मेरी गाड़ी बाहर कहीं पे खड़ी है, ठीक है, आप लोगों की भी गाड़ियाँ बाहर कहीं पार्क होंगी, तो एक हजूम प्रोटेस्टर्स का आता है और वो आपकी गाड़ी को जो है वो तोड़ देता है, ऐसे ही है, हो सकता है ना, ऐसा होता है पाकिस्तान में अक्सर, हम सुन लेते हैं। तो ये क्रिमिनल एक्ट है कि सिविल एक्ट है? क्रिमिनल एक्ट है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, थाने चले गए, मैंने FIR भी दर्ज करा दी, FIR के बाद ट्रायल भी हो गया और उनको तीन तीन चार चार साल सजा भी होगी सबको, CCTV फुटेज भी निकाल ली थी, पता भी चल गया मिस्टर ए भी था, मिस्टर बी भी था, मिस्टर सी भी था, मिस्टर डी भी था, इन सारों ने मिलकर एक गाड़ी तोड़ दी थी, सजा भी तीन तीन साल मिल गई, वो जेल भी चले गए, मुझे क्या मिला बताएं आप, मुझे क्या मिला, और खर्चा भी हो गया मुझे क्या मिला कुछ नहीं मिला, क्या मिला है बताएं ना, क्या मिला, उसको सबक मिल गया, अच्छा फिर मेरी गाड़ी, वेयर इज जस्टिस, मेरी गाड़ी, I always have this right to recover my vehicle from that very person. ये मेरा right है, किसने exclude किया इसको, आपने taught नहीं पढ़ा सबने, wrong to person, wrong to property, और ये सारा civil law taught ही तो है, और क्या है, wrong to property commit किया उसने, तो मैंने उसको recover करना है, बात समझ आ रहे हैं? American एक footballer था बड़ा मशहूर, वो अभी मुझे उसका नाम आ जाता है जेन में, अमेरिका की हिस्ट्री में बड़ा बड़ा अहम केस है, उसमें क्या हुआ, सॉरी ओजे सिम्पसन, वेरी गुड सर, थैंक यू, एक मिस्टर ओजे सिम्पसन थे, ही वाज अ निग्रो, बड़ा पॉपुलर फुटबॉलर था, बड़ा पॉपुलर, उसने मर्डर कर दिया अपनी एक्स वाइफ को और उसके बॉयफ्रेंड को, मर्डर कर दिया उसने, ठीक है, अब उसका मर्डर करने के बाद, मर्डर कमिट होने के बाद उसकी अरेस्ट का वाकया बड़ा शानदार है, वो रोड पर भाग रहा था और वो लाइव चल रहा है, आप अभी भी YouTube वगैरह पे देख सकते हैं, लाइव उसको अरेस्ट कर दिया पुलिस, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद ज्यूरी बैठ गई, मुकदमे का फैसला हो गया और उस मुकदमे में वो ये बरी हो गया, ठीक है सर, पॉपुलर फैसला, और अमेरिकन हिस्ट्री है, देखिए लॉ इवॉल्व करना है, हमने सोचना है पहले, पूरी मिसाल, अगर ये मिसाल पे आप यकीन ना करना चाहें तो आपके पास बड़ी वजह हो सकती है, आप ये भी कह सकते हैं सर ये किस तरह की आप बातें कर रहे हैं, वो कह सकते हैं आप, क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा किसी से सुना था तो मेरा रिस्पॉन्स यही था कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, पानी पी लें थोड़ा सा, ठीक, ओजे सिम्पसन साहब को बरी कर दिया जूरी ने, जूरी ने कहा बेनिफिट ऑफ डाउट है, हम नहीं इसको सजा देते, वो जो बॉयफ्रेंड कत्ल किया था ना उसके वालिद ने क्या किया, डैमेजेस का सूट फाइल कर दिया कोर्ट में कि मेरे बेटे को इसने कत्ल किया, और मिस्टर ओजे सिम्पसन को डैमेजेस पड़ गए उसी कॉज ऑफ एक्शन, तसव्वुर कर रहे हैं आप इसको, अब आप खोले जाके इंटरनेट और देखें क्या ये बात सच है कि नहीं, आपको जजमेंट्स भी पूरी की पूरी मिल जाएंगी, क्यों, जूरी ने किस बात पे उनको उसको एक्विट किया था, बेनिफिट ऑफ डाउट, वहां पे जब ट्रायल चल रहा था तो पुलिस ने ग्लव्स पेश किए, ये एक एक वजह थी ये वाली, और जो लॉयर थे उसके अक्यूज्ड के, ही सेड के इसको ग्लव्स पहनाए,
अब वो ग्लव्स पहनाए गए वो छोटे थे, उसके हाथ पे पूरे ही नहीं आए। तो पुलिस का क्लेम ये था कि ये ग्लव्स पहन के इसने क्या किया है, मर्डर कमिट किया, और इस पर ब्लड के सैंपल्स वगैरह थे। बात समझ रहे हैं मेरी? तो बेनिफिट ऑफ डाउट राइज हुआ कि जब ग्लव्स ही नहीं इसको पूरे आ रहे तो ब्लड कौन सा। और उनकी टैगलाइन क्या थी मुकदमे के एंड पे आर्ग्यूमेंट्स में, व्हेन इट डज नॉट फिट, ग्लव्स फिट नहीं हो रहे ना, व्हेन, ये लॉयर है जो एक्सप्लेन करेगा कोर्ट। कोर्ट आधा काम करती है, मैं आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, आधा काम करती है, आधा आप नहीं करना है। आप आधा छोड़ देंगे तो पूरे जस्टिस की तौफीक आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि ये हो जाएगी सारा सारे का सारा इंसाफ। ही सेज व्हेन इट डज नॉट फिट यू मस्ट एक्विट, दिस वॉज द टैग लाइन। ये बाय द वे बात हो रही, ठीक है, एक्विटल कर दिया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यही कहता है कि वेन एवर देर इज अ बेनिफिट ऑफ रीजनेबल डाउट, वर्ड रीजनेबल को भी जरा गौर से, कभी लेक्चर हुआ तो फिर बताएंगे व्हाट इज रीजनेबल। वेन एवर देर इज अ रीजनेबल डाउट यू मस्ट गो फॉर एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड, कन्विक्शन नहीं हो सकती। सिविल में क्या प्रिंसिपल है सर? सिविल में क्लेम पहले देख लें, कॉजिंग, किसी को स्लैप करना, इजंट इट अ टॉर्ट, स्लैंडर, स्लैंडर पढ़ा आप में से किसी ने? व्हाट वाज स्लैंडर, व्हाट वाज असॉल्ट? मैं यहां से उठूं और आपको थ्रेट करने के लिए एक जेस्चर दूं कि आई विल बी हिटिंग यू, दिस इज असॉल्ट, एंड व्हाट इज स्लैंडर, मैं आपको टच करूं आज से, तो ये स्लैंडर जो है, इजंट इट अ टॉर्ट, इजंट इट अ सिविल रॉन्ग, इजंट इट इंफ्रेंजमेंट ऑफ माय सिविल राइट, इज इट नॉट सो? ऐसा नहीं है? कौन कौन कहता है ऐसा नहीं है? सर इसमें डिग्री भी है कि अगर किसी पे आपने पानी फेंक दिया या चूर फेंक दिया तो डिग्री का है कि फर्स्ट डिग्री असॉल्ट है, सेकंड डिग्री असॉल्ट है। कौन कौन इससे एग्री नहीं करता कि ये मेरे राइट की इंफ्रिंजमेंट है, मेरे पर्सनल राइट? स्टेट अपनी जगह पे कायम है, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया तो स्टेट कहेगी क्यों मारा, हमारा लॉ था कि आप इसको नहीं मारेंगे। मेरा क्या बनेगा, मेरा भी तो राइट वायलेट हुआ है, उसका क्या करेंगे आप? नहीं वायलेट हुआ, कौन कौन कह रहे नहीं वायलेट हुआ मेरा राइट हुआ है? कौन कौन कहता है नहीं वायलेट हुआ? खुल के जरा बात करने, जरा थोड़ा शामिल हो जाए। Who says कि मेरा राइट वायलेट ही नहीं हुआ? Who says कि हुआ है? एक दो और बाकी क्या कह रहे हैं? हुआ वायलेट यार, तो मैं इसके लिए डैमेजेस क्लेम करने का राइट रखता हूं, दिस इज अ सिविल कॉज। और मैं थप्पड़ की बात कर रहा हूं, उसने तो उसका बेटा मार दिया, और क्या उस पर सिविल क्लेम नहीं है? This suit is all together alien to our jurisprudence. ये बात सच है। अगर आप सुबह उठ के किसी 302 के मुकदमे के फैसले के बाद किसी पर damages का suit file कर देंगे तो लोग obviously at the beginning of the very suit थोड़ा सा हंसेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे कि यार चलो बच्चा है, कोई बात नहीं, हो गया, अभी इसको वकालत का पता नहीं है। But my young fellows, go for this. Do go for this. There are ample opportunities. This is violation of civil right, and the civil court is there with ultimate jurisdiction. तो आप damages का suit file कर सकते हैं। सर इसमें 302 का प्रचलन चल रहा हो साथ में। जी जी। साथ में आप damages का भी कर दिया हो, तो फिर courts में ये आगे debatable बात है। In some circumstances आपका जो है वो civil और criminal दोनों इकट्ठे चल सकते हैं। मैं फिर आपको मिसाल दूँ, France में आप क्रिमिनल सूट के साथ ही सिविल क्लेम फाइल कर सकते हैं उसी कोर्ट में। फ्रांस के जुरिसडिक्शन में आप सिविल क्रिमिनल कोर्ट के साथ ही अपना सिविल क्लेम फाइल कर सकते हैं, और वही कोर्ट क्रिमिनल को क्रिमिनल के बेसिक प्रिंसिपल्स पे डिसाइड कर देगी, और वही कोर्ट सिविल लिटिगेशन को सिविल के बेसिक प्रिंसिपल्स पे डिसाइड कर देगी। हमारे यहां भी ये मौजूद है, तमाम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो आपस में क्लैश नहीं कर रही होती,
चल सकती हैं। जी सर, ये मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, ये मैं आपको अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मुकदमे की एग्जांपल दे रहा हूँ। और मैं सवाल मेरा, मैं आपको आप पे ये सवाल छोड़ कर चला जाता हूँ कि कोई प्रोहिबिशन बता दे मुझे कहीं लॉ से ढूंढ ले। मेरा सवाल ये है कि ये अमेरिका की हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ज्यूरिसप्रूडेंस का आप पढ़ते हैं अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस, हम उससे इन्फ्लुएंस्ड भी हैं, फेडरल सिस्टम ले लें, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ले लें, उससे इन्फ्लुएंस्ड भी हम, व्हाई नॉट दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। एक मिसाल है, क्योंकि ये थोड़ा सा बाय द वे क्वेश्चन आ गया तो मैंने इसको रिस्पॉन्ड किया। पाबंदी नहीं है, नहीं है पाबंदी, नहीं नहीं सर, नो सर, नो नो, दिस इज नॉट डबल यू पार्टी। ये जो प्रॉब्लम है, ये अगर मैं इस पे बात करना शुरू कर दूं तो फिर आई थिंक हम डाइवर्ट हो जाएंगे। डैमेजेस का आई थिंक 3 years है इसका टाइम, लिमिटेशन लॉ में लिखा हुआ। ठीक है जी, इसको रीचेक कर लीजिएगा लास्ट में। वापस आते हैं जुरिस्डिक्शन के टॉपिक पे थे हम, तो पहला हमारा जुरिस्डिक्शन का जो था फॉर्मूले के तहत, दैट वाज अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, सिविल कोड हैज द अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। सेकंड वाज टेरिटोरियल। अब सिविल कोड तो सुनेगी, ये बात तो हमने तय कर लिया कि देर इज नो एक्सप्रेस बार, देर इज नो इम्प्लाइड बार, देर इज नो जनरल और स्पेशल लॉ, तो ये वाला मुकदमा सिविल कोड सुनेगी। अब कौन सी सिविल कोड, कौन से इलाके की सिविल कोड सुनेगी, ये हमें बता रहा है सेक्शन 16, 19 और 20। अब सेक्शन 20 क्या कहता है, मैं कहता है, एक तो हमने दावा, सर कोई जरूरी बात है, डबल जियोपार्टी में नहीं आता, नहीं आता वो, ठीक है, फिर बात उधर से स्टार्ट हो जाएगी। आई डोंट वांट टू डाइवर्ट क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा है। मुझे ये बताएं, व्हाट इज डबल जियोपार्टी? एक बंदे को किसी एक ऑफेंस में सजा देना या ट्रायल करना, दिस इज डबल जियोपार्टी। कब कर रहे हैं हम उसको सजा, कब दे रहे हैं? प्रीपोंडरेंस हम सिविल में, सिविल सजा है, सिविल सजा है। सीपीसी के जिस सेक्शन की आप बात कर रहे हैं, डबल जियोपार्टी 403 सीआरपीसी, वहां पे लिखा हुआ है कि सीपीसी की प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, तो नहीं लिखा हुआ तो कैसे हम इन्फर करेंगे कि हाँ ये भी सिविल डबल जियोपार्टी में आ रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस में नॉनसेंस मौजूद है, हमारे सिस्टम में कॉमन सेंस मौजूद है, मैं यही आपको बताना चाहता हूं। और देर आर सम नॉनसेंसेस विच आर टू बी इंट्रोड्यूस टू आर सिस्टम, कुछ इस तरह की नॉनसेंसेस मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट जो है, सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज प्लीज, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट जो है वो एलियन है हमारे सिस्टम में। कॉस्ट, कभी कॉस्ट अगर हाई कोर्ट में से मिल जाए किसी को 1 लाख 2 लाख, तो वो खबर बन जाती है। क्यों? आप वेस्टर्न ज्यूरिसप्रूडेंस में देखें, कोई मुकदमा तब तक कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता जब तक कॉस्ट डिटरमिन नहीं की जाती, किस बंदे का कसूर था, किसने किसको कितना खेचा। और इस्लामाबाद की आप लेजिस्लेशन अगर पढ़ लें, सीपीसी में अमेंडमेंट, तो वो कहते हैं एट द एंड ऑफ द सूट बोथ द पार्टीज विल सबमिट देयर कॉस्ट्स। दोनों पार्टीज मुकदमे के अख्तिताम पे सर अपनी कॉस्ट सबमिट करेंगी, और कॉस्ट सबमिट करने के बाद फाइनल आर्गुमेंट सुने जाएंगे, और फिर कोर्ट फैसला करेगी, और साथ में कॉस्ट का फैसला भी करेगी, किसने किसको कितनी कॉस्ट देनी। बात समझ रहे हैं? तो ये एवोल्यूशन है लॉ की, सिविल कोर्ट की रेमेडी। मैंने आपको एक सवाल किया, आप इस पे गौर कीजिएगा, वो जो बंदा बाहर जिसकी गाड़ी तोड़ दी थी ना, उसके लिए आप 10 साल किसी को सजा दे दें, 20 साल सजा दे दें, आप रियासत उसको उम्र कैद दे दे, उसको जस्टिस नहीं मिला। याद रखिएगा मेरी बात,
जस्टिस का एक मैकेनिज्म सेक्शन 544 सीआरपीसी में भी मौजूद है, वो कहते हैं जब कोर्ट को लगे कि इसका नुकसान हुआ है तो कंपनसेशन का जरूर दें, दैट इज शेल, और जरूर कंपनसेशन दें, किस लिए, ताकि ये सिविल लिटिगेशन अवॉइड हो सके। तो गोरे ने तो जब ये लॉ इसको कॉन्स्टिट्यूट किया तो हमें बिल्कुल भी मना नहीं किया कि आप सिविल लिटिगेशन जो है वो मना करें, बंद करें, ना करें, लॉ क्लियर है। अगर एक्सप्रेस बार नहीं है, इम्प्लाइड बार नहीं है, जर्नल या स्पेशल लॉ मौजूद नहीं है, तो आप जा सकते हैं सिविल कोर्ट में। और अब आप पर लाजम है, अब लाजम है कि अब आप ओजे सिम्पसन वाला केस, उसकी दोनों जजमेंट्स जरूर पढ़ें, नेट पे अवेलेबल है। जी सवाल था सर, कन्विक्शन में जब कोर्ट ऑर्डर अनाउंस करती है तो फाइन भी तो करती है, पर लिखा होता है कि 2 लाख रुपीस इज देयर बाय फाइन, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू पे फाइन देन यू हैव टू गो 6 मंथ्स फर्दर। माय लॉर्ड, फाइन इज अ पनिशमेंट लाइक इंप्रिजनमेंट, दैट इज नॉट कंपनसेशन, एंड फाइन वंस अगेन गोज टू द स्टेट, नॉट टू द अदर पार्टी। हाँ, एक सूरत है, कोर्ट्स कंपनसेशन ग्रांट करना शुरू कर दें, आप कंपनसेशन मांगना शुरू कर दें, 489F, एक बंदे ने जेली चेक दे दिया, आपने बड़ी दौड़ धूप की और बड़ी मुश्किल के बाद पर्चा करवा लिया, फिर उन्होंने फौरी तौर पे उसको चलान किया और जेल भेज दिया, अब उसका ट्रायल हो गया, उसको 2 साल की सजा हो गई, आपके पैसे। सर पैसे, ये आपके पीछे वाले दोस्त कह रहे हैं, 489F की मिसाल दे रहा हूं, उसको 2 साल की सजा भी दे दी कोर्ट ने, उसने चेक डिसऑनर हो गया था, 5 लाख 10 लाख 20 लाख का चेक था, डिसऑनर भी हो गया सर, उसका ट्रायल चला, सजा भी हो गई, और सजा होने के बाद आपको क्या मिला? फिर आप भागते हैं, अब 37 Rule 2 कर लें, और तब आप 37 Rule 2 करते हैं, और तब नहीं आप कहते कि ये तो कॉमन सेंस नहीं है, तब तो डबल जियोपार्टी का सवाल भी नहीं उठता, कभी नहीं उठा ना, कभी किसी ने 37-2 के दावे के बाद सवाल उठाया डबल जियोपार्टी का? तो यहां पे जब मैं कह रहा हूं कि दिस ऑल्सो इज द सिमिलर एग्जाम्पल, तो डबल जियो पार्टी का सवाल मेरे भाइयों नहीं उठेगा। इससे आगे आप यंग लॉर्ड हैं, आपने इसको एक्सप्लोर करना है, तो आई माइट बी रॉन्ग इन समथिंग, कुछ लीगल हो सकता है कि मेरे पास वो एक्सपर्टीज ना हो, आपने इसको एक्सप्लोर करना है, और आई एम वेरी मच होपफुल कि आप इंशाल्लाह, ये जो सिस्टम स्टार्ट हो गया ना, आप इंशाल्लाह आप करेंगे। कंपनसेशन में तो शेल का वर्ड है, मैंडेटरी है, आपको तो उस जजमेंट के खिलाफ रिवीजन भी करनी चाहिए जिसमें केस साबित हो जाए, कोर्ट उसमें कंपनसेशन ना दे, मेरी बात समझ रहे हैं, आपको तो रिवीजन भी करनी चाहिए, दैट इज अ मैंडेटरी क्लॉज, और कोर्ट्स को भी खुले दिल के साथ सुनना चाहिए। सेकंड, ये भी मैं आपको, जजमेंट इनकम्प्लीट जजमेंट है, अगर आप कंप्लेनेंट को रिड्रेस नहीं करते दिस इज हाफ जस्टिस, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली सर्विंग हाफ जस्टिस, ठीक है, समझ गए। अब इससे ज्यादा मेरे से तनकीद ना करवाएं, सिस्टम पे आगे चलते हैं। व्हेन द डिफेंडेंट सेक्शन 20, वापस आए ज्यूरिसडिक्शन पे, फिर मुझे उधर से रिपीट करना पड़ेगा, सेक्शन 9 अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन, उसके बाद टेरिटोरियल। टेरिटोरियल में पहला जो सेक्शन था, कौन सी कोर्ट, पहला फार्मूला, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वो वाली कोर्ट, दूसरा फार्मूला अगर रॉन्ग है टू पर्सन या प्रॉपर्टी, और वो उसकी रॉन्ग को मैंने रिड्रेस करवाना है कंपनसेशन के जुमरे में, तो कौन सी कोर्ट, जहां कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ था या जहां डिफेंडेंट रिजाइड करता है, और तीसरा फॉर्मूला जो है वो लिखा है सेक्शन 20 के अंदर, इसको पढ़ लेते हैं। इसकी हेडिंग स्टार्ट इस तरह से होती है, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन arises. तमाम दीगर दावे किसी भी किस्म का हो,
उसमें डिक्लेरेशन आ सकता, तमाम लीगल दावे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड नहीं है, बात समझ रहे, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड नहीं है, और जो जो कंपनसेशन टू फॉर रॉन्ग टू पर्सन या मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं भी किए जा सकते हैं। कहाँ पे? दो जगह उसकी भी। पहली पहली जगह वो आपको दी गई है जहां डिफेंडेंट रिजाइड करता है, और दूसरी कॉज ऑफ एक्शन की जगह। अब इसमें बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, जहां कॉज ऑफ एक्शन राइज हो वहां पे कर ले। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर एक डिफेंडेंट है तो जहां डिफेंडेंट रिजाइड करता है वहां पे हम कर लेंगे, और अगर डिफेंडेंट 10 हैं और वो 10 मुख्तलिफ इजला में रहते हैं तो क्या करेंगे? वहां पे कर लेंगे। ये ऑप्शन आसान है ना, इसलिए हम फौरी तौर पे भागते हैं कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है वहां पे कर लेंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला भी है, ए और बी में उसी को रिड्रेस किया गया, एक डिफेंडेंट है तो जहां वो रहता है वो कर ले, और अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं 3, 4, 5 तो कोर्ट की परमिशन के साथ, कोर्ट की किसी एक जगह पे जहां पर कोई एक डिफेंडेंट रहता हो, या सब डिफेंडेंट की मर्जी के साथ। बात समझ आ गई? समझ आ गई सर? आगे चले, तीनों फॉर्मूले टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ये हमारे सामने। सेक्शन 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से। ऑब्जेक्शन जो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, वो आई एम सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, देखी स्लाइड मैंने, इसमें नहीं है, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूँ। सेक्शन 6 जो है वो सॉरी 21 दैट सेज कि अगर आपका कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का ऑब्जेक्शन है तो हम उसको एपीलेट और रिवीजनल स्टेज पर नहीं सुनेंगे। अगर कब नहीं सुनेंगे? अगर आपने फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे, फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं किया था, ठीक है, और फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी के बाद आपने इश्यूज फ्रेम होने तक नहीं किया तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप अगर फर्ज करें एक प्रॉपर्टी थी जिसको, जिसकी बाबत हम समझते हैं कि ये गलत जगह पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में सूट फाइल हो गया, और मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता, ठीक है, और इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, तो मेरा राइट जो है टू रेज एन ऑब्जेक्शन दैट एक्सटिंग्विशेस, डन है जी। तो दोनों जुरिस्डिक्शन आपने समझ आ गई आपको कि कोर्ट के पास जब भी जुरिस्डिक्शन का सवाल उठेगा, वर्ड जुरिस्डिक्शन आएगा, तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके जेहन में उठना चाहिए दैट इज अल्टीमेट या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी, और जो दूसरा सवाल आपके जेहन में उठना चाहिए, जो दूसरी चीज आप एड्रेस करेंगे, दैट इज कौन सी कोर्ट, कौन सी इलाकाई अदालत। यही वजह है माई ब्रदर्स, यही वजह है कि जब आप प्लेन स्टार्ट करते हैं तो यू राइट डाउन इन द कोर्ट ऑफ, इन द लंडन कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, सीनियर सिविल जज लाहौर, क्योंकि आपने डिटरमिन कर लिया कि ये सिविल कोर्ट में चलना है और लाहौर में, दोनों बातें क्लियर है। अब प्लेंट आगे बढ़ाएंगे हम अपनी। थर्ड जुरिस्डिक्शन सर, पिक्यूनरी, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बाबत सेक्शन 6 में रूल लिखा हुआ है, सेक्शन 6 ऑफ द सीपीसी, इट सेज कि कोई भी इंफरेंस ड्रॉ नहीं की जा सकती पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से। जिस कोर्ट के पास जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो उसी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक अपना मुकदमा सुनेगी, बाकी नहीं सुनेगी, ठीक है सर। अब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है क्या, किसके पास कितनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, तो यहां पर हमें सवाल था कोई? अच्छा, सेक्शन देखें 7 ऑफ द पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962, ये हमें बताता है सबसे पहले, ये कहता है जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, डिस्ट्रिक्ट जज उसकी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी पिक्यूनरी, पिक्यूनरी लिमिट, वो अनलिमिटेड होगी, किसकी?
डिस्ट्रिक्ट जज की, यानी किसी भी मालियत का दावा हो तो ओरिजिनली उसको ट्राई करना हो तो कौन करेगा? इसीलिए आपने कभी 37(2) के दावे में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें इन्वॉल्व हो, वो 20 करोड़ 5 अरब 10 अरब का भी हो, तो आपने कभी सोचा नहीं कि एडिशनल सेशन जज केड़े को जाना, क्योंकि उनके पास अल्टीमेट ज्यूरिस्डिक्शन है। ठीक है जी, ठीक है। अब आगे आ जाए सिविल कोर्ट की। अब सिविल कोर्ट की बाबत इसी का सेक्शन 9 कहता है कि ये जो सिविल कोर्ट की पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन है ना, इसको हाई कोर्ट डिटरमिन करेगी किसी भी सिविल जज को किसी एक क्लास में एंटर करने के बाद। तो जब हम सिलेक्शन हुई तो वी वर सिविल जजेस क्लास 3, तो उस वक्त में 2015 में हमारी जो मैं आगे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा समझा लेना। हम जब सिलेक्शन हुई तो हमारी पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन जो थी वो 1,00,000 रुपए थी, ठीक है नहीं? और जो सिविल जज क्लास 2 थे 10,00,000 थी या 5 थी शायद, और सिविल जज की अनलिमिटेड फिर रिवाइज हो गया 2016 में। सिविल जज की हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल जज फर्स्ट क्लास की पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन कितनी है? अनलिमिटेड। क्लास 2 की 5 मिलियन या 50,00,000, और क्लास 1 की 10,00,000। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर, कोई भी ऐसी वजह, कोई भी ऐसी चीज जिसकी बुनियाद पर आप अदालत में गए हैं, उसकी वैल्यू अगर 10,00,000 है तो सिविल जज कौन सुनेगा? क्लास 3। अगर 50,00,000 है कौन सुनेगा? और अगर इससे ज्यादा है तो कौन सुनेगा? क्लास। अब ये यहां पे सवाल ये है कि ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शंस तो हमारे पास दो आ गई अनलिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी अनलिमिटेड और सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास भी अनलिमिटेड, तो इन दोनों में से हमने दावा किसके पास दायर करना? सिविल एडिशनल के पास चले जाए, काम भी थोड़ा कम है तो जरा जल्दी हो जाएगा काम शायद। सेक्शन 15, फिर सेक्शन 15 हमें बताता है कि जो लोएस्ट कंपिटेंट कोर्ट है, लोएस्ट कंपिटेंट ग्रेड, तो इन दोनों में लोएस्ट कौन सी है? सिविल जज। तो इसका मतलब है कि किसी भी अनलिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन का दावा सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास जाना है, और अगर 50,00,000 का क्लेम है तो सिविल जज फर्स्ट क्लास भी सुन सकता है, सेकंड भी सुन सकता है, थर्ड भी सुन सकता है। किसको सुनना चाहिए? और अगर 5,00,000 के क्लेम का दावा है तो उसको कौन सुन सकता है? 1 भी सुन सकता है, 2 भी सुन सकता है, लेकिन किसको सुनना चाहिए? इंस्पेक्शन 15 की स्पिरिट के मुताबिक क्लास 3 को। अब ये हो गई 3 ज्यूरिस्डिक्शन हमारी। कोई सवाल है? कोई और सवाल किसी का हो? ज्यूरिस्डिक्शन, अब रट्टा क्या हमने लगाना है? जब भी ज्यूरिस्डिक्शन का सवाल आपके जेहन में आए वर्ड, तो उसको 3 हिस्सों में पहले डिवाइड कर दें। सबसे पहला हिस्सा दैट इज अल्टीमेट सेक्शन 9, दूसरी ज्यूरिस्डिक्शन टेरिटोरियल, और तीसरी ज्यूरिस्डिक्शन पिक्यूनरी। ठीक है जी, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। क्या समझूं, आपको समझ आ गई है या ये समझूं? बिल्कुल नहीं आई। थैंक यू। अब जी सब्जेक्ट मैटर, ये चौथी मैंने आपको लिख के बताई थी, ये बेसिकली एक्सेप्शन है। ठीक है, हमने कहा सिविल कोर्ट के पास हर एक सिविल नेचर का दावा सुनने का इख्तियार हासिल है सिविल कोर्ट के पास। किसके पास? सिविल। और फिर हमने कहा कि टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो कौन सुनेगी, फिर हमने कहा पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो कौन सुनेगी, फिर हमने कहा सेक्शन 15 लोएस्ट कंपिटेंट कोर्ट। तो फिर मैं आपको एक मिसाल देने लगा, 37(2) का दावा सेशन जज के पास क्यों चला जाता है? उसमें भी अनलिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन है, उसके पास क्यों चला जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास क्यों चला जाता है? सेक्शन 2 ने, 37(2) ने क्या किया, उसने एक खास सब्जेक्ट मैटर को वहां से उठाया और कह दिया कि इसका मुकदमा यही बंदा सुनेगा, डिस्ट्रिक्ट जज। ये किसी और की बाबत भी कह सकते हैं,
ठीक है, तो जब भी इस तरह की बात, वो भी सिविल कोर्ट है, मैंने इसीलिए आपको कहा कि वो भी सिविल कोर्ट है, ये भी सिविल कोर्ट है, तो सुनना किसने है, ये सब्जेक्ट मैटर है। अब इसकी जितनी मर्जी एक्सेप्शंस क्रिएट की जा सकती हैं, सुबह ये भी कहा जा सकता है हाई कोर्ट नोटिफिकेशन कर दे, लेजिस्लेशन अमेंड कर दी जाए कि जनाब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट जो है ना वो एडिशनल सेशन जाए सुनेगा, हो सकता है ना, हो सकता है ना, वो कह दें जनाब ये जो है ना पोजेशन वाले दावे ये तो सारे के सारे उठाएं और सेशन जज साहब को भेज दें वो सुने, हो सकते हैं ना, हो सकते हैं अगर अमेंडमेंट कर ली जाए, रूल्स अमेंड कर लिए जाए और सूट्स की कैटेगराइजेशन कर ली जाए तो ये हो सकता है, और मेरा ख्याल है कि अगर रिफॉर्म्स करने हैं तो ये होना चाहिए। ठीक है जी, अब आगे आ जाइए पर्सनल ज्यूरिस्डिक्शन। व्हाट इज पर्सनल ज्यूरिस्डिक्शन, व्हाट इज पर्सनल ज्यूरिस्डिक्शन, एनी वन कैन तुक्का लगा सके फिर जी, इसी तरह जैसे मैंने सब्जेक्ट मैटर का यहां कुछ पर्सनैलिटीज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जैसे सेक्शन 24 मैंने लिखा है आपके सामने, सेक्शन 24 जरा देखें उसी सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का, वो कहते हैं सेक्शन 24 में, अब आपको क्रक्स बता रहा हूं, सेक्शन 24 कहता है अगर अगर दावा फाइल किया जाएगा किसके खिलाफ, रियासत के खिलाफ, प्रोविंस के खिलाफ या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ जो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा हो, कौन सुनेगा, सिविल जज फर्स्ट क्लास, कहां पर, हेडक्वार्टर पे। तो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन को वायलेट कर दिया ना, कॉज ऑफ एक्शन तहसील किसी में पैदा हुई थी, बात को समझ रहे हैं मेरी, कॉज ऑफ एक्शन किसी तहसील में पैदा हुई थी, ऐसे ही है ना, वहां हमने गवर्नमेंट को पार्टी बनाना है, फर्ज करें गवर्नमेंट ने कोई नुकसान कर दिया, गवर्नमेंट ने मेरा कोई नुकसान कर दिया, फिर मैंने फसल लगाई थी गवर्नमेंट ने बंद तोड़ दिया बिला वजह, सैलाब नहीं आ रहा था बंद तोड़ दिया मेरा नुकसान कर दिया, अब मैंने गवर्नमेंट से कंपनसेशन लेनी है, क्या करूंगा, तहसील में ही होना चाहिए ना पिछले फार्मूले के तहत, लेकिन एक्सेप्शन क्रिएट कर दी, किसी भी रीजन से की जा सकती है लेकिन कर दी गई पर्सनल ज्यूरिस्डिक्शन। अब इस तरह की कई और एक्सेप्शंस क्रिएट हो सकती हैं, बात समझ रहे हैं, तो बेसिक फॉर्मूला जो है ज्यूरिस्डिक्शन का, जो बेसिक डिवाइड है, दैट इज जनरल ज्यूरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 9, टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन एंड पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन, और इसी सीक्वेंस के साथ 1, 2, and 3। ठीक है जी, कोई सवाल हो किसका, जी जी वो सिविल नहीं था, हाँ हाँ चला था जी, तो हाई कोर्ट के पास आप सीआरपीसी पढ़े ना, सीआरपीसी किसी भी केस की, क्रिमिनल केस की कॉग्निजेंस ले सकती है, किसी भी क्रिमिनल केस की, किसी भी क्रिमिनल केस की कॉग्निजेंस लेके हो ट्रायल कर सकती है। ठीक है, तो ये लॉ में अवेलेबल है, प्रोविजन अवेलेबल है। ठीक है जी, डन है। अब इसी तरह सिंध में जो है, कुछ सिंध में मैटर्स हैं, मैं यही कह रहा हूं अगर सब्जेक्ट मैटर में कोई एक्सेप्शन ऐड कर दी जाए, पहला क्वेश्चन अहमद कयूम साहब ने जो किया था वो ये था कि सिंध में जो हाई कोर्ट्स हैं वो ट्रायल करती हैं, तो अगर सब्जेक्ट मैटर में कोई एक्सेप्शन और डाल दी जाए कि ये वाला ट्रायल जो है ये फलाने फोरम पे होगा, ठीक है, तो हो सकता है। अब मुझे ये बात बताएं, मैं अगला सवाल करने से पहले एक आपको बात पूछूंगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रिटर्न ऑफ प्लेंट में क्या फर्क है, व्हाट इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, क्या ठीक नहीं, वैल्यू ठीक नहीं है, कोर्ट फीस नहीं लगाई, कॉज ऑफ एक्शन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, या सूट, नो नॉट एट ऑल, नो सूट इज बार्ड, तो ये बार्ड का वर्ड हमने कब कहां पे पढ़ा है, अभी सेक्शन क्या है वो, अगर कोई ऐसा क्लेम अदालत के सामने आ जाए, सर 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 सर, 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 सर
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पानी पिलाएं जिनको, कोई ऐसा क्लेम आपके सामने आ जाए कोर्ट के सामने जो बार हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? रिजेक्शन। 7-11 रिजेक्शन हो जाएगी ना, यही मैं कह रहा हूं। अब वो बार जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है, और अब जनरल और स्पेशल लॉ भी हो सकता है। बात समझ आ गई? अब रिटर्न कब होगी प्लेट? हाँ जी, रिटर्न होगी उसका तो सेक्शन 7 में लिखा है, कोर्ट फीस नहीं लगाई, रिजेक्ट होगी। कौन सी? दिस वाज द आंसर। मैंने प्लेंट फाइल कर दी सियालकोट में, होनी थी तहसील पसरूर में, तो क्या रिजेक्ट होनी चाहिए? रिटर्न क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसमें लिखा है कि अगर ऐसी जगह पर फाइल कर दी जाए जहां पर उसको रेफर किया जाएगा, रिटर्न करके इंडोर्स करके उसको बताया जाएगा कि आप फलानी जगह जाकर ये करें, रिजेक्ट नहीं होगी वहां पर। बात समझ आई? मैं बताता हूँ, ट्रांसफर इज अनदर टर्म। अगर फर्ज करें सिविल जज क्लास 1 के पास होनी थी और 3 के पास हो गई, तो अब ये तीसरा फार्मूला हम लगा सकते हैं, रेफरेंस कर दें ताकि जो कंपिटेंट कोड है उसके पास पहुंच जाए। तो रिटर्न भी बेसिकली दिस इज अ रेफरल टाइप। तो जब आपकी आपने दावा सिविल कोड की 9 की ज्यूरिस्डिक्शन सिविल कोड की ही बनती है लेकिन गलत जगह पर फाइल कर दिया, तो वहां पे क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। प्लेंट को रिटर्न होना है, रिजेक्ट नहीं होना। और आप हजारों ऑर्डर देखेंगे जिसमें रिजेक्ट हो रही है, तो डू गो फॉर चैलेंज। तो आप रिवीजन फाइल करें कि रिटर्न होनी है मेरी प्लेंट, रिजेक्ट नहीं होनी। आप रिवीजन फाइल करें ना उसके खिलाफ, ठीक है जी, करें आप, कौन रोक सकता है आप। अच्छा जी, अब जी प्लीज एग्जाम्पल तो बहुत सारी दी थी, ये देखें स्लाइड्स में। जनरल लॉ जो है फैमिली लॉ जनरल लॉ है, ये स्पेशल लॉ नहीं है। अब ये क्लासिफिकेशन जिस तरह आप चाह रहे हैं ना कि 2+2=4 हो, ये है ही नहीं। क्रिमिनल लॉ जो है CPPC ये जनरल लॉ है, और उसमें से किसी एक चीज को उठाया और ATC बना दिया, ये स्पेशल लॉ है, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट पे हो तो वो स्पेशल लॉ है। वो टेररिज्म उसका नाम ही बता रहा है ना, टेररिज्म पे है, तो वो क्या हो गया? जनरल लॉ। और जो फैमिली लॉ है ये तो एक जनरल कैटेगरी है इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको आप उस तरह से जनरल स्पेशल लॉ नहीं कहेंगे। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं सिविल और फैमिली को, तो सिविल के मुकाबले में फैमिली लॉ स्पेशल लॉ है, ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे चलें थोड़ा सा, अब आ जाएं जी, कौन कौन से सूट्स हैं जो आप यंगस्टर्स कर सकते हैं और आपको करने चाहिए, कितनी किस्म के दावे हैं। आप जब जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि ये बड़ा पॉपुलेटेड है और काम शाम इधर कोई नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो लॉ लेस मुआशरा है हमारा, है कि नहीं है? है। तो जहां पर लॉ लेसनेस है उसका रिड्रेसल भी होगा, उबी जूसी भी रेमेडियम, वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, वेयर देर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट देर इज अ रेमेडी, और एंड देर आर अ लॉट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ राइट। एक बंदे ने अक्सर आप देखते हैं, आप किसी मोहल्ले में या कॉलोनी में रह रहे हैं, तो उस बंदे ने क्या किया, उसने अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसने जो बजरी का डंपर है वो सड़क पे लगा दिया। अब आप क्या करें? सोच में पड़ गए, की करिए, हमें तो कोई समझ नहीं आ रही क्या करें। एक तो ये आपके वाली सर दलील थी कि वो फैसला तो होना कोई नहीं सिविल कोर्ट में, क्या करना चाहिए, वो लड़ाई भी लग जाएगी अलहदा से। लेकिन अगर आपको सिस्टम पर यकीन होगा तो मैं फिर की बात करूँ, आपको सिस्टम पर यकीन है तो आप सिविल कोर्ट में जाए और डैमेजेस क्लेम करें। इंजंक्शन भी ले सकते हैं, कैसे? आप ये पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ केसेस। ये अहमद साहब ने मुझे स्पेसिफिकली कहा कि टाइप्स ऑफ केसेस ज़रूर डिस्कस करिएगा। टाइम हमारे पास है 20 मिनट, तो आई ट्राई कि मैं इसको कंक्लूड कर लूँ। टाइप्स ऑफ केसेस इन सिविल लिटिगेशन। अब ये टाइप्स, इसके नीचे मैंने इंटेंशनली वर्ड एग्जाम्पल लिखा है, क्यों?
इसलिए कि ये टाइप्स जो हैं वो सारी की सारी मैं आपको बता नहीं सकता, ये 100 भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं। सवाल आप में से करूंगा मैं आप लोगों को, हमें कितनी टाइप्स का पता है? आप अगर कोई कोई आप में से प्रैक्टिसिंग भी है, प्रैक्टिसिंग है कोई, आप हैं मैडम, कितनी टाइप के केसेस आपको पता हैं? ये लिखे हैं सामने, एक तो सूट रिकवरी का हो गया, डेक्लरेशन का पता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का पता है, और सक्सेशन का पता है, पार्टीशन का पता है, और इंजंक्शन का पता है, और खत्म हो गए। ठीक, अब आ जाते हैं, तो टाइप्स इन्हीं से शुरू कर लेते हैं, ये तो है। अब ये सेकंड जो आपने लिस्ट बनानी है अपने पास, फॉर्मूला अपना रजिस्टर जो सिविल का बनाना है, वो इस तरह से बनाना है, ये वाला सीरियल नंबर, सब्सटेंटिव लॉ जिसमें कोई राइट आपको दिया गया हो, एंड वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, एंड अनटिल द रेमेडी इज बार्ड सिविल कोर्ट इज देयर टू एंटरटेन यू, सेक्शन 9, ऐसा ही है। तो अब जो आज सब्सटेंटिव लॉ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमें कुछ स्पेसिफिक रिलीफ्स प्रोवाइड कर दिए गए, रिकवरी हम कर सकते हैं पोजेशन की दो तरीकों से, सेक्शन 8 में भी, 9 में भी, मूवेबल प्रॉपर्टी की भी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं हम, ठीक है जी, इंस्ट्रूमेंट की रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट की रिसीजन कोर्ट से करा सकते हैं, कैंसिलेशन करा सकते हैं, डिक्लेरेटरी डिग्री ले सकते हैं, इंजंक्शन ले सकते हैं, ये हैं जनरली, कोई और भी होंगी स्पेसिफिकली इफेक्ट में, लेकिन ये जनरली जो मैंने लिखी है आपके सामने एज एन एग्जाम्पल। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आधा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है और आधा स्पेसिफिकली इफेक्ट में, तो आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या आप इंजंक्शन ले सकते हैं? इंजंक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं, कैसे बताएं जरा? ओहो, कॉन्ट्रैक्ट में भी तो हो सकती है, बेसिस उसकी कॉन्ट्रैक्ट ही होगी कोई, ले सकते हैं। फर्ज करें किसी एक आर्टिस्ट ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ये कर लिया कि मैं आपके स्टेज ड्रामे में परफॉर्म करूंगा, ठीक है, अब नहीं कर रहा, और साथ ये भी उसमें टर्म मौजूद थी कि अरसा 2 साल के लिए मैं किसी और के स्टेज ड्रामे पे काम नहीं करूंगा, तो क्या आप इस पे इंजंक्शन ले सकते हैं? किस चीज पे ले सकते हैं? पर्सनल सर्विस तो इन्फोर्स नहीं हो सकती, पर्सनल सर्विस तो इन्फोर्स नहीं हो सकती, नो, डैमेजेस तो एक पार्ट है आपका, जो आपका नुकसान होगा डैमेजेस, नो नो नो, पॉजिटिव इंजंक्शन उसको मना किया जा सकता है कि आप वहां पे, अच्छा यहां ना करो वो कोई बात नहीं, वहां पे नहीं आप करेंगे, बात समझ? अब ये ब्रीच करेगा तो कंटेम्प्ट में भी आ जाएगा और प्रोसीडिंग्स भी चलेंगे। अब इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं सर्विस के रिलेटेड, आप 5 साल मेरे पास काम करेंगे, इस 5 साल के अरसे में आप कहीं पर भी और काम नहीं करेंगे। आजकल मार्केट में बहुत इन है ये आईटी वालों के साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई बंदा एडिटिंग वगैरह पे रख लिया है, उनके साथ अक्सर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्यों सर होते हैं, हैं? तो ये चल रहा है, तो हो सकता है आप कर सकते हैं। आगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बेस पे आप दावा कर सकते हैं, दायर निगोशिएबल चेक है या अदर हुंडी है कोई इस तरह का और डॉक्यूमेंट, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, प्रीएम्पशन का आप दावा कर सकते हैं, वो कहाँ से लेते हैं प्रीएम्पशन का दावा? प्रीएम्पशन के लॉ से, 1991 का दी प्रीएम्पशन एक्ट, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट, ऐसे ही है। ईजमेंट का दावा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी कहा किसी ने रोड ब्लॉक कर दिया मेरा, तो मेरा ईजमेंटरी राइट इफेक्ट हो गया, तो मैं दावा दायर कर सकता हूँ ना, जैसे देखिए टेम्परेरी भी उसको किसने इख्तियार दिया, ये हो सकता है कि मुझे टेम्परेरी जो है वो, हाँ, अब एडजस्टमेंट मुआशरे के अंदर क्या है, ये एक स्लाइड सी लाइन है कि अभी वो सामान उतार रहे हैं, ट्रक खड़ा है तो ऑब्वियसली आए मैं बर्दाश्त करूँगा, सामान उतार रहे हैं चले जाएंगे, और अगर वो परमानेंट ट्रक खड़ा कर दे आपकी गली के अंदर, फिर दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना, तो पहली पे तो आपका ऑब्जेक्शन जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी पे होना चाहिए ना, होता क्यों नहीं है, क्यों नहीं होता,
The one comes to the court must come with a clean hand. आपने भी गिराज नहीं बनाया, उन्होंने भी नहीं बनाया, वो बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, ठीक है, आप एतराज लेके जी ये मेरे रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देता है, वो कहते हैं ये भी तो बाहर ही खड़ी करता है. तो द पर्सन कमिंग टू द कोर्ट मस्ट कम विद अ क्लीन हैंड. ये ओवरहॉल एक कंप्लीट पैकेज है जो सिविल लॉ में आपने देखना है, ठीक है जी. आगे चले थोड़ा सा. अब ये जो जिसके पर्पज के लिए मैंने आपको कहा था कि बेयर एक्ट आप जरूर लेके आए, ये आप अपेंडिक्स खोल लीजिए ए शेड्यूल वन का सीपीसी में, अपेंडिक्स ए. अब देखिए कितने किस्म के. अब अल्टीमेट ज्यूरिस्डिक्शन की भी ये एक एग्जांपल है कि हमें पता था कितने दावों का, 7-8 का, ऐसे ही है ना. जो पहले पेज पे मैंने 11 दावे लिखे हैं ना, ये इस पर्पस से लिखे कि तकरीबन ये 11 दावे जो हैं वो 90% हमारी कोर्ट्स में ये चल रहे हैं, 90% यही है, 95% भी कह सकते हैं. अब इससे आगे आ जाए, क्या सिर्फ यही दावे हैं, इतने सही हैं बस. फिर सेक्शन 9, फिर उसको कहना कि दिस इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिस्डिक्शन, और दावे सिर्फ 9 या 10 या 15 या 20, बस खत्म. अल्टीमेट इतना बड़ा वर्ड दे दिया उसको, अल्टीमेट ज्यूरिस्डिक्शन, पेरेंटल कोर्ट फलानी टमकानी, और दावे सिर्फ 12. सीपीसी ने आपको फॉर्म्स दे के उस वक्त में समझाया था 1908 में. अपेंडिक्स खोल लिया सबने सर. अब इसके अंदर देखिए जरा, अगर सब ने खोल लिया है तो अपेंडिक्स ए टाइटल देखिए, प्लीडिंग्स नजर आ रहा है, प्लीडिंग्स नजर आ रहा है. प्लीडिंग्स के नीचे आपको लिखा होगा 1 टाइटल ऑफ सूट्स, 1 टाइटल लिखेंगे आप सूट का, ठीक है. 2 डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है. 3 देखें, 3 क्या लिखा हुआ है, प्लेंट्स अर्जी दावे, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर. अब ये अर्जी दावे कितने लिखे हैं, नंबर 1 मनी लेंट, ये 12 नंबर पे लिखा है मैंने. दूसरा मनी ओवरपेड, तीसरा गुड्स सोल्ड एट फिक्स्ड प्राइस एंड डिलीवर्ड, पैसे वापस नहीं किए, लिखे हुए हैं ये. इस तरह आप चलते जाएं और आपको ये 50 के करीब दावे, कितने, 50 के करीब दावे, 49 टू बी वेरी स्पेसिफिक, 49 दावे, 49 दावों के फॉर्मेट्स आपको सीपीसी प्रोवाइड कर रही है. कितने दावों के, 49. और इसका रूल ये है कि ये अपेंडिक्स यूज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है अपेंडिक्स को, या इसको अमेंड भी किया जा सकता है. आपका दावा किसी और नेचर का है तो आपको पाबंदी कोई नहीं है, आप चेंज कर लें इसको. तो मुझे बताएं कि क्या सेक्शन 9 जो है, isn't that a living organism? जी, isn't it a living organism? जिंदा नहीं है आज भी सेक्शन 9? नहीं जिंदा. जो जो कहते हैं नहीं जिंदा वो जरा हाथ खड़ा करें, जो जो कह रहे हैं जिंदा है वो जरा हाथ खड़ा करें, कॉन्फिडेंस तो चेक करें जरा. और बाकी क्या कह रहे हैं, न्यूट्रल्स हैं. अच्छा, 10-12 न्यूट्रल्स काम ही निकले, हम इतने ज्यादा नहीं. अच्छा मुझे ये बताएं, सेक्शन 9 ये कह रहा है कि हर वो दावा चलेगा जो सिविल नेचर का होगा, ऐसे ही है जी. यहां तक कि उस पर कोई एक्सप्रेस बार हो फिर नहीं सुनेंगे, इंप्लाइड बार हो फिर नहीं सुनेंगे, या जनरल या स्पेशल लॉ मौजूद हो तो नहीं सुनेंगे, ठीक है जी. यही कह रहा है. अब बार्स बढ़ती जा रही है, पहले फैमिली लॉ भी सिविल कोर्ट सुनती थी, फिर फैमिली लॉ आ गया तो बार लग गई सिविल कोर्ट पे, एक कैटेगरी निकाल दी. फिर पहले बैंकिंग कोर्ट भी सारी सिविल कोर्ट सुनती थी, बैंकिंग सिविल कोर्ट सुनती थी ना, तो बैंकिंग कोर्ट हमने बना दी, तो फिर एक और बार लगा दी हमने, बैंकिंग के सारे मैटर उधर निकल गए. फिर सुई गैस के सारे मैटर्स जो हैं वो सिविल कोर्ट सुनती थी, बड़े आसानी से हम जाके स्टे भी ले लेते थे, ऐसे ही है ना.
बिल आया स्टे ले लिया, अब हम बिल आ जाए हमें स्टे नहीं मिलता, यूटिलिटी कोर्ट में उसमें लिखा हुआ है स्टे नहीं देना, ठीक है ऐसे ही है ना। तो एक और बार आ गई, तो ये काम हो रहे हैं ना, ज़्यादा भी होते होंगे। एक बंदा है उसने सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीर लगा दी, वो फैमिली पिक्चर थी, क्या करें, ठीक साइबर सिक्योरिटी में चले गए, उसको सजा हो गई, फिर डैमेज क्लेम कर सकते हैं हम। ये जैसे जैसे दावे इसमें से निकल रहे हैं वैसे वैसे जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो इसमें दावे ऐड करती जा रही हैं। हमने सिर्फ देखना है कौन सी चीज़ ऐड हो सकती है, कौन सी चीज़ सिविल नेचर की है। एक आपका फ़र्ज़ करें आपने शादी पे कैमरामैन को हायर कर लिया, कभी आपने सोचा उसके पास आपकी वीडियोज़ हैं, मिसयूज़ भी नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा मिसयूज़ कर रहा, वो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए आपकी वीडियो इस्तेमाल कर, देखे मैंने कितनी खूबसूरत जो है वो वीडियो बनाई है, अपनी एड में चला रहा है आपकी वीडियो, आपसे पूछा ही नहीं, आप चुप करके बैठे रहेंगे ना, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं करना क्या है। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि देर इज सिविल कोर्ट, तो आपको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने आपकी परमिशन के बगैर आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। जब वो कहेगा कि इन्होंने कहा था तो ओनस उस पे, आप इस चीज की फिक्र ना करें, जब वो कहेगा कि इन्होंने मुझे कहा था तो ये टाइम प्लेस उसने साबित करना है कि कब कहा था, किसके सामने कहा था, सॉरी बिल्कुल ठीक है। मैं देखिए मिस यूज करेगा ना, मैलाफाइड ही नहीं होनी चाहिए और लॉयर के दिमाग में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या एक साइड पे होनी चाहिए इस तरह के। मैंने जो मिसाल दी क्या गलत थी, क्या ये सिविल दावा नहीं बनता, क्या नहीं बनता ये दावा सिविल, क्या कंपनसेशन नहीं बनती। इसी तरह और बड़े मामला था, सेक्शन 9 इवॉल्व करता जा रहा है, ये आपको जो मैंने 49 दावे बताए हैं ना सीपीसी में, इनको आपने जाके पढ़ना है, 50 इनमें से कई 1908 में थे आज वो नहीं है, जैसे रेंट का भी इसमें लिखा हुआ है, और रेंट का आज आपके पास ट्राइब्यूनल अलहदा से है, तो उसको निकाल दें और ऐड करते जाएं, कोई भी दावा कोई भी सिविल नेचर का राइट वो आप इंटरटेन कर सकते हैं। ये इसके बाद अब ये सारे अपेंडिक्स ए के कुछ मैंने लिखे हैं, ये आप इसको देख लें, दीज आर टिल 39, ठीक है जी। अब आई एम सॉरी, एक और चीज़ जो मैं आपको बताएं, व्हाट इज अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंट, और क्या करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। मिस्टर ए थे और उन्होंने दावा दायर किया एंड ही डाइड, तो हम प्लेंट अमेंड करेंगे, प्लेंट अमेंड करेंगे, अच्छा श्योर है कि प्लेंट अमेंड करेंगे, हम प्लेंट अमेंड करेंगे, प्लीडिंग अमेंड करेंगे, फिर सोच लें एक दफा। ये देखें टाइटल, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज इन पर्टिकुलर केस, इसको अमेंड करेंगे भाईजान, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज को, इसका अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट से ताल्लुक ही नहीं है, प्लेंट तो स्टार्ट होती है पैराग्राफ नंबर 1 से, ये देख लें फॉर्मेट इसी तरह लिखा हुआ है, जिसने पहली दफ़ा प्लेंट बनाई थी इससे देख के बनाई थी, उसके बाद प्लेडिंग्स की किताबें और वो ये वो आप उसको देखें। मेरा आपको मशवरा ये है जी प्लीज़, ये आपको वैसे ही मैंने भेज दिया हुआ फॉर्मेट, अच्छा जी कोई सवाल है, थोड़ा सा लॉ को हमें देखना पड़ेगा, व्हाट इज अमेंडमेंट, ठीक है सेक्शन 6-17 में, तो उसको ज़रा देखिएगा आप, ठीक है जी। ये इतने सारे सूट्स हम फाइल कर सकते हैं इनिशियली, अब प्लेंट उसका एक फॉर्मेट मैंने आपके सामने रख दिया, आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा, ये उसी तरह से चल रहा है, सबसे पहले इन दी कोर्ट ऑफ लर्नड सीनियर सिविल जज, वो जो डिस्ट्रिक्ट होगी जुरिस्डिक्शन होगी सिविल कोर्ट की, फिर टेरिटोरियल, फिर उसके बाद पार्टीज हैं, उसके बाद एक टाइटल हम हेड देते हैं सब्जेक्ट मैटर का, और फिर प्लेंट, सॉरी
एक ही सूट है, एक ही मैं भी फॉरवर्ड करता हूँ, आज वैसे भेज दिया था सुबह, मैं दोबारा करवाता हूँ ठीक। ये इतनी फॉर्म्स हैं, मेरा मशवरा ये है आज आप जब यहाँ से जाएँ तो अगर बार वोकेशनल कोर्स में आपके पास टाइम है तो ये जो 49 प्लेयर्स हैं ना ये पढ़ें, आपका सेक्शन 9 की बाबत जो कॉन्सेप्ट है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे कि सिविल कोड के पास तो बहुत सारे इख्तियार आते हैं, मैंने 2-3 आपको मिसालें दे दी, मैंने आपको एक मिसाल दे दी कि उसने आपकी मर्जी के बगैर सिर्फ वीडियो को इस्तेमाल किया, कोई बुरा भी नहीं किया, और जिस जो तस्वीरें उसने इस्तेमाल की हैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप हैंडसम भी लग रहे हैं उसमें, ठीक है। तो आप खुश होने की बजाय आप अगर उसको बर्दाश्त नहीं करते कि इसने क्यों मेरी ये तस्वीर शेयर की, तो यू हैव द रेमेडी, वेरी सिविलाइज रेमेडी, कि आप कोर्ट के पास जाएंगे, इसने ये वाली बात गलत की है तो इसको डैमेजेस होने चाहिए, और कोर्ट्स को भी इसको देखना चाहिए। अब ये सवाल अगर आप करते हैं कोर्ट्स नहीं देखती तो ये इसका जवाब कुछ और है। आगे चलें, सॉरी समझे नहीं बात, देखें अब अगर फर्ज करें आपने किसी को पैसे दिए थे, मैं आप जरा मसाल सुन लें, कंज्यूमर लॉ इज देयर, आपने किसी को सर्विसेज के कोई काम कहा और आपने उसने आपके अलावा सारी तस्वीरें अच्छी खींच दी, तो सर्विसेज का डिफेक्ट तो है ना, फिर तो यू कैन क्लेम दैट। अब ये हो गई आपकी प्लेंट, सर आई एम ऑलमोस्ट एट द एंड, प्लेंट जो है इसका फॉर्मेट आपके सामने है, ये थोड़ा सा अगर आप इनको प्लेंट्स को पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको शायद किसी प्लीडिंग की बुक की ज़रूरत पड़े, 50 के करीब प्लेंट्स हैं और बड़ी सिंपल। फॉर एग्जांपल आपने किसी से पैसे वापस लेने हैं तो पहला पैरा आपको आपने लिखना क्या है, सेक्शन जो हमारा ऑर्डर 6 है उसके मुताबिक क्या लिखना है, मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट द एविडेंस। मटीरियल फैक्ट क्या है कि फलां टाइम पे फलाने बंदे ने मेरे से कितने पैसे लिए, कोई भी अमाउंट 10 लाख रुपए लिया। दूसरा मटेरियल फैक्ट क्या है, अब मुझे ये वापस नहीं कर रहा। तीसरा मटेरियल फैक्ट क्या है, प्रेयर मेरी कि मैं मुझे इससे ये पैसे वापस लेके दे। दिस इज ऑल प्लेन, इट कैन बी वन पेजर क्वेश्चन जी। लीगल नोटिस सेक्शन 28 है स्पेसिफिक उसका कंज्यूमर लॉ का, आपने मैन्युफैक्चरर को या जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है आपने उसको नोटिस देना, मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है जी। नोटिस ये है कि आप मेरा ये नुकसान हुआ है, वेरी ब्रीफली ये मेरा नुकसान हुआ है, इसको आप इस तरह से पूरा कर दें, अदरवाइज आई विल बी ऑप्टिंग लॉ सूट, ठीक है जी। ये प्लेंट एंड हो गई। अब एक बात जो इसमें ऐड है, व्हाट शुड बी द चेक लिस्ट विद द प्लेंट। अब प्लेंट लिखनी है आपने, हर एक ने अपने फैक्ट्स के हिसाब से, तो चेक लिस्ट कौन सी हो सकती है। चेक लिस्ट ये वाली जो मैंने चेक लिस्ट आपके सामने रखी है ये हाई कोर्ट की चेक लिस्ट, तो इट इज़ वेरी मच रेलेवेंट। आपके पास प्लेंट होनी चाहिए, प्लेंट जो है सबसे पहले साइंड बाय द पार्टी और ऑथोराइज पर्सन, साइंड बाय द पार्टी। सर ये साइंड बाय द पार्टीज या ऑथोराइज पर्सन, वेरीफाइड बाय द पार्टीज और वन ऑफ द पार्टीज, तो साइन वेरिफिकेशन, ये सारे का सारा तीन ही जगह पे लिखी हैं ये सारी चीज़ें, तीन जगह पे, ऑर्डर 6, 7 और 8, ठीक है। उसके साथ व्हाट इज टू बी एडिड विद द प्लेंट, व्हाट इज टू बी अनेक्स्ड विद द प्लेंट, एक पहले फ्रंट पेज डॉक्यूमेंट्स अनेक्स्ड विद द प्लेंट का, ठीक है जी। दस्तावेज उसको उर्दू में कहते हैं दस्तावेज पेश करदा, कौन सी पेश करदा, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैं पेश कर रहा हूँ, उर्दू में आपको मिल जाएगा ये फॉर्म, दस्तावेज पेश करदा, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट अलॉन्ग विद द प्लेंट, दैट इज दस्तावेज पेश करदा, लाजमी लगाना है। अब दस्तावेजात इन्हिसार, फर्द इन्हिसार, वो तमाम दस्तावेजात उसमें आपने लिखने हैं जिन पर मैं इन्हिसार कर रहा हूं लेकिन मेरे कब्जे में नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू का रिकॉर्ड है इंतकाल, तो मेरे पास तो ओरिजिनल उसकी कार्रवाई नहीं होगी, उसका कस्टोडियन कौन है? तहसीलदार होगा, रिकॉर्ड रूम वाले होंगे, तो मेरे पास नहीं है ना, तो आपने उस एविडेंस को फर्द निसार में लिखना है। फिर उसके साथ अब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई, आपने समन्स अटैच करने हैं, नोटिसेस नहीं। दावे में कभी भी नोटिसेस का कोई ऑर्डर ही नहीं है, समन्स है। और समन्स का एक फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट अगर समन उस पे तामील होगी, वो डिफेंडेंट पड़ेगा तो आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी, वो वाला खास फॉर्मेट डन है जी। इसी तरह चेकलिस्ट जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट में है, ये उर्दू में है। मैं जफरवाल में पोस्टेड था उस वक्त, अमेंडमेंट्स आई तो हमने ये बनाई, ये भी बढ़िया आपको काम आ जाएगी। उर्दू में है, अगर कोई सवाल हो तो आप स्पेसिफिकली कर लें। एक एक चीज़ लिखी हुई है कि रिटर्न स्टेटमेंट जब फाइल करनी है तो क्या करेंगे, उसी तरह आप सब डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे, फ़र्द निसार भी लगाएंगे, फ़र्द पेशकर्दा भी लगाएंगे, समन्स नहीं लगाएंगे। अगर कोई डिफेंडेंट माइनर है तो उसका आप बताएंगे, ठीक है जी।